भक्त्यादिगुणाणवम् यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि त्रिणायमिने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये कासाये विमले दधानमुरसि श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरम् वेदान्तद्वयसारबोधनचणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम् बाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रम् श्री श्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तम् श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तगुह्यदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये वैदेही सहितं सुरद्रुमतले है मे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिव्रतं रामं भजे श्यामलम् आचार्यं शठकोपदेशिकमथ प्राचार्यपारं परीं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्ययमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय
वातात्मजं वानरयूथमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम सीताराम श्री सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि राम से बहात में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान जान विधि का विधान जान हानि लाभ सही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि हाथ दीना नाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे हाथ दीना नाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे धन्यवाद ने विवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए Thank you.
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। संत संग राम रंग, संत संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस परिए। संत संग राम रंग, काम रस त्याग प्यारे राम रस परिए। सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अवध बिहारी भगवान की जय। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री रामचरित मानस की जय। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री रामानुस्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री रामानुस्वामी जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। समस्त वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। जय जय श्री सीता राम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री भास्यकार। बोले पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। अखिल हे ये प्रत्यनीक कल्याण गुणिक तान, स्वीतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्त वांछा कल्पतरु भगवान, कौशल्यानंद वर्धन दशरथ कुल कमल दिवाकर, श्री सीता प्राणधन भगवान, श्री जानकी कांत प्रभु, कृपा समुद्र भगवान, श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज, भगवान के मंगलमय अनुग्रह के फलस्वरूप हम लोगों को भगवान की मंगलमय कथा गाने का और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हुए समस्त भगवत कथा के रसिक श्रोतावृंद, भक्तिमती माताएं बहनें, भगवान श्री रामचंद्र का मंगलमय चरित्र जीव के अनंत अनंत जन्मों के पापों का नाश करने वाला कहा गया है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्
एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। संसार में जो महापातक कहे जाते हैं, पांच बड़े ही उग्र पाप कहे जाते हैं, पंचोग्र पापाः, पांच बड़े ही तीव्र पाप हैं। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला पाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या कर देना, ये सबसे बड़ा पाप है। इससे थोड़ा छोटा कौन सा पाप है? इससे थोड़ा छोटा है सुरापान, शराब पीना। आजकल तो लोग इसे पानी से हाथ धोते थे, पुराने लोग ऐसे आजकल उससे हाथ धोते, बुराई नहीं मानते। हम लोग कहते हैं तो कहते हैं यार ये सब ऐसे पंडित कुछ कुछ बकते रहते हैं, उनको सबको बुद्धि उद्धि नहीं, क्या खराबी है उसमें? अरे फलों का रस है, उसमें क्या बुराई है भाई? फलों का रस अगर ऐसा ही होता तो फलों का रस तो फिर जब जूस निकाल के पीते हैं तो नशा आना चाहिए था, अगर नशा उसमें होता ही है। सड़ा करके उसको खराब करके उसमें नशा उत्पन्न किया जाता है और फिर उसको पी करके पूरे घर को, अपने पूरे नाते रिश्तेदारों को गाली देते, नाली में पड़े रहते। अगर फल का रस ही है तो फिर ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए। सुरापान को पापों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर, उग्र पापों में दूसरे नंबर पर रखा गया। आप यहां नहीं मानेंगे, अच्छी बात है, लीवर किडनी फेल होगा, अस्पताल में पड़े पड़े सीताराम हो जाएंगे, उसके बाद में जब ऊपर जाएंगे तो यमराज बताएंगे कि ये सही है कि गलत है। यहां तो सब भगवान ने जीव दी है लड़ाने के लिए, लड़ा लोगे, और सबसे झगड़ा भी नहीं किया जा सकता भाई, क्यों किसी से कुछ हल्ला मचाना? जिसको धर्म मानना है वो धर्म की बात को मान लेगा, और नहीं मानने वाले को तो भगवान भी नहीं समझा सकते आकर के। दूसरा सबसे बड़ा पाप है सुरापान, तीसरा पाप है गौ हत्या, गाय की हत्या करना, ये तीसरा सबसे बड़ा पाप कहा जाता है, और चौथा पाप है किसी के धन का हरण करना। कभी किसी के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। हमको पैसे की जरूरत है, दूसरे का मार के बैठे हैं, क्या उसको जरूरत नहीं है? पैसा किसको बुरा लगता है, क्या उसको जरूरत नहीं है? कभी किसी के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। ईशावास्योपनिषद का पहला ही मंत्र कहता है कि कभी किसी की संपत्ति का, किसी के धन का लोभ न करे। दूसरे की संपत्ति को मल के समान, जैसे कुत्ता गंदगी कर देता है ना तो लोग बच के निकलते हैं, ऐसे दूसरे की संपत्ति को मल के समान देख के निकल जाना चाहिए। और पांचवा पाप क्या है? चार हो गए ना, ब्रह्म हत्या, सुरापान, गोवध, किसी की संपत्ति को चुराना, और पांचवा है इनमें सहयोग करना। इन चारों में अगर आप सहयोग करते हैं तो आप भी एक उग्र पाप कर रहे हैं। पाप करने वाले को जो पाप मिलेगा वही पाप आपको भी सहयोग करने के कारण प्राप्त होगा। इसलिए पापी का संग नहीं करना चाहिए। एक कहावत है गांव देहात में, सब लोग बोलते हैं, गेहूं के साथ में घुन भी पिसती है। सुनी है कि नहीं सुनी? गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाती है। ऐसे ही जो बुरे लोगों की संगत करते हैं वह भी चपेटे में तो आई जाते हैं। इसलिए संगत अच्छी करनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं ना रामचरितमानस में, बरु भल बास नरक कर दाता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। एक बार को नरक में जाकर के रहना उत्तम है, नरक में रहना बहुत उत्तम है, लेकिन किसी कुसंगी व्यक्ति का संग करना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अच्छे व्यक्तियों का संग करेंगे, वो तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, हाँ माला जपते हैं, मंदिर जाते हैं, तो कभी तो मन में आएगा कि नहीं देखो वो तो जाते हैं, हम ही क्यों नहीं जाते, चलो हम भी चले थोड़ा होकर के आए। और जो कभी नहीं जाता उसके साथ रहोगे तो कहेगा क्या तुम सुबह सुबह बताओ, 10 बजे कोई नहाने का समय है, अरे 12-1 बजे नहाएंगे, खा करके मरे जा रहे हो, ठंड में भगे जा रहे हो, मंदिर क्या मिलेगा? मंदिर जाके, मंदिर के बाहर ही भिखारी बैठा रहता, उसका तो भाग्य बदल नहीं गया,
तुम जाके मंदिर में भाग्य बदलोगे, ऐसे कुतर्क सुनाएगा। तो एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, कुछ दिन में तो हृदय में बात बैठ जाएगी, भैया बात सही कह रहा, छोड़ो हटाओ। तो जो सत्कर्म कर रहे हैं वो भी छूट जाएंगे। इसलिए कभी भी बुरे व्यक्ति की संगत करनी नहीं चाहिए। आप विचार करें, भगवान वाराह का एक पुत्र हुआ, वाराह अवतार तो जानते हैं ना, भगवान श्री हरि वाराह बन के आए, और भूमि इस धरती माता से भगवान के एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ भौम। लेकिन कुसंग में पढ़ करके असुर हो गया, उसको भी भौमासुर कहा जाता है। ये कुसंग का असर है। संसार में क्या ऐसा है जो कुसंग से न बिगड़ जाए? कुसंग सब कुछ नाश कर देता है। इसलिए कभी कुसंग में नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा हम लोगों ने जीवन में, भगवान की कृपा थी, आगे बढ़े, भगवान की कृपा से भगवान ने आगे बढ़ाया। जब संपत्ति आती है तो फिर हम तुम्हारी चाची की, बुआ की, ननद की, मौसी की लड़की हैं, इतने लंबे रिश्ते भी आ जाते हैं, सगा भाई नहीं पहचानता, पैसा ना हो सगा भाई ऐसे चला जाएगा। और फिर चाची की, बुआ की, मौसी की, बिटिया की छोरी हूँ, ऐसा भी रिश्ता निकल आएगा तो लोग भी दौड़ पड़ते हैं और आकर के क्या करते हैं, खूब चढ़ाते हैं उसे, अरे आपके जैसा कौन, आपके, और चढ़ाते चढ़ाते उसको कुसंग में लगा देते हैं, और फिर कुसंग में सब कुछ नाश हो जाता है। आप सबने भी देखा होगा, भाई बाहर की बात क्यों करना, आप भी अपने आसपास देखो, ऐसे बहुत से लोग भरपूर मात्रा में हैं, आसपास क्या देखना, अपने को भी देख सकते हैं, बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो भगवान का यह जो पावन चरित्र है, वह जन्म जन्मांतर के पापों को, ऐसे पांच उग्र पाप भी हो जाएं, उनको भी यह राम जी का चरित्र समाप्त करने वाला है। क्या कोई कलिकाल में इससे सरल साधन मिल सकता है? माला जपने बैठो तो मन नहीं लगता, और फिर भी जबरदस्ती करो तो नींद आ जाती है माला जपते जपते। वैसे नींद की गोली खा करके नींद नहीं आती, माला जपने बैठो तो वैसे ही नींद आना शुरू हो जाती। अब चलो एकादशी का व्रत करें तो बाकी के दिन भले ही एक टाइम खा के रह जाएंगे, एकादशी को तो ऐसी भूख लगती है कि मानो कई जन्मों से नहीं खाए। तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो तीर्थ यात्रा तो अब क्या रह गई, वो भगवान ना कहना ही ठीक है। तीर्थ यात्रा को तो लोगों ने पिकनिक बना रखा है। पुराने लोग जाते थे नंगे पैर, तीर्थों में जाते थे तो चप्पल जूता नहीं पहनते थे। तीर्थ में जाने का क्या मतलब है जब आप पहले से रूम बुक कर ले रहे हैं, आपको एसी का रूम चाहिए, 5-स्टार होटल का भोजन चाहिए, तो तीर्थ यात्रा क्यों करने गए, इससे अच्छा घर में खाते अपने। तीर्थों में जाए तो कष्ट सहन करना चाहिए, तीर्थ में जाए तो चटाई बिछा करके जमीन पे सहन करे। भगवान को जो मंदिर में भोग लगे, सूखी रोखी रोटी, वही पा करके महात्माओं के चरणों में बैठ के कथा सुने, प्रवचन सुने, तब तो तीर्थ यात्रा सफल हो। अब तीर्थों में भी जाकर के लोग मुंह भी देखते हैं। एक जने हम लोगों के मंदिर में आए, अब अपना तो राम जी के तो पुराना मंदिर है, कोई इतनी सुविधा है नहीं, वो आके बोले महाराज यहाँ पे टीवी नहीं। अरे बावरे भैया, तुम टीवी देखने आए हो कि तीर्थ यात्रा करने आए हो? वहां भी टीवी चाहिए, बवाल देखना है वहां भी। तो कोई कलिकाल में साधन बच नहीं पा रहे। शौचाचार तो खैर खत्म ही हो चुका, वो तो बोलना ही नहीं चाहिए। अभी शौचाचार की विचार की बात करो तो लोग कहेंगे जो तो पागल है, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अभी कहो भैया मिट्टी से हाथ धोना चाहिए, कहेंगे महाराज बुद्धि उद्धि तो नहीं खराब हुई, मिट्टी से हाथ धुलते हैं क्या? कोई पुराने महात्मा होते थे, साबुन छू जाए, गलती से साबुन का स्पर्श हो जाए तो गोबर से हाथ धोते थे, क्या छू लिया। अब विचार करो कितनी शुद्धता हमारे घर में है। सब लोग जाते होंगे सुबेरे डोल डाल तो सोच तो जाते ही हैं सब, हाथ धोने के लिए साबुन धरा ही रहता है। अब जब हाथ गंदा है और साबुन को छू करके रगड़ रहे हो तो फिर साबुन कितना शुद्ध बचा? अब जितने जने घर के हैं सब छू रहे हैं, उससे क्या शुद्धि बची घर में? अब बताओ, विचार करो, इससे अच्छा तो सर्फ रख लिया, वो ज्यादा सही है, कम से कम हाथ में लिया, धोया, अपना बराबर किया। आजकल वो क्या चला, फुसफुस सा दबाते हैं, जो भी हो ऐसे दबाओ तो यूं आता है,
बढ़िया धो लिया उससे, वो भी सही है एक बार को साबुन से, आचार विचार भी नहीं बचा। तो क्या बचा है कलिकाल में? संत जन कहते हैं इस कलिकाल में केवल भगवान की कथा बची है, और कथा भी कई दिन बचेगी ये भगवान ही जाने। कथा आजकल इतनी हो रही है, फिर भी लोगों के मन में धर्म के प्रति आस्था नहीं बची। कारण क्या है? बोले कथा हो रही होती तो सब अच्छा ही होता, कथा की जगह व्यथा हो रही है तो कहां से काम बने। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बहुत बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, 3-3.5 घंटा कथा चलती है, और 3 घंटे में 30 मिनट भी रामायण और भागवत की बात नहीं बताई जाती, केवल दुनिया भर का ड्रामा सुनाया जाता है। लोगों को भी वही प्रिय लगने लगा है, लोगों को भी वही चीजें अच्छी लगती हैं, ये ज्यादा अच्छा है। कथा में भी प्रपंच लोगों ने कर दिया, इसीलिए नारद जी कहते हैं कथा सारस ततोगत, कथा का सार भी चला गया। पहले कथा सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता था, अब लोग गिनाते महाराज हम 100 कथा सुन सके। 100 कथा सुनने के बाद भी मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं, वाणी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। तो कथा सुनी होती तो परिवर्तन आता ना। अरे इतनी सी कथा कान में पड़ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। यहाँ लोग कहते हैं हम 100 कथा सुन चुके तो उसके बाद भी बोलना नहीं आया, भगवान के प्रति भाव नहीं बना, क्या मतलब निकला ऐसी कथा का? आजकल प्रपंच के कारण कथा का सार भी चला गया, अन्यथा इस कलिकाल में, और इस कलिकाल में ही नहीं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी के लिए बोलते हैं ना, ऐसे ही चारों युगों में भगवान की कथा का प्रताप है। हनुमान जी से भगवान ने कहा, वाल्मीकि रामायण में ही प्रसंग आता है, भगवान परमधाम को जाने लगे, सब लोगों को राम जी लेके गए, अयोध्या वासी सब चले, भगवान ने हनुमान जी से कहा चलो चलो आप भी चलो। हनुमान जी बोले महाराज आप हमें यहीं छोड़ जाओ, नहीं हमारे धाम नहीं चलना। महाराज बाद में आ जाएंगे, करोगे क्या? बोले जब तक इस भूमंडल पर आपकी कथा चलेगी तब तक उस कथा को सुन करके मैं आनंद लूंगा, और जब कथा चली जाएगी तो फिर मैं आपके धाम आ जाऊंगा। इतना प्रिय है हनुमान जी को भगवान की कथा, और अब उस कथा का भी क्या हाल हो गया। भगवान की कथा चारों युगों में सबसे सरल उपाय है, भगवान को प्रदान करने वाली है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी पुरुषार्थ आप प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की कथा वह पुरुषार्थ प्रदान करती है। हम लोगों ने कल भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा ताटका का उद्धार, इसके बाद में भगवान का अहिल्या जी का उद्धार, मिथिलापुरी में प्रवेश और धनुष भंग, भगवान का विवाह महोत्सव हम लोगों ने कल बड़े आनंद से मनाया। श्री गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम राम सिय सिर से दूर दे राम राम सिय सिर से दूर दे राम शोभा कही न जात विधि के शोभा कही न जात विधि के राम सिय सिर से दूर देही शोभा कई न जात विधि के। भगवान श्री रामचंद्र ने सीता जी के सिर में सिंदूर लगाया, और उस शोभा को बड़े बड़े कवि वहां पर आकर के खड़े थे, श्री ब्रह्मा जी जैसे, ब्रह्मा जी से बड़ा कवि कौन होगा, हाँ बड़े बड़े कवि नारद आदि आकर के खड़े थे, लेकिन उस शोभा का कोई बखान नहीं कर पाए। ऐसा सुंदर यह दृश्य है, बस नेत्रों से देखते ही जा रहे हैं।
जो गूंगा मीठे फल कोरस अंतर मन ही भावे। गूंगे को मीठा फल खिलाया आम, और फिर पूछा भैया कैसा लगा, तो गूंगा क्या बताएगा कैसा लगा, प्रसन्न होकर के बस चेहरा चमकाएगा, हाँ भैया मजा आ गया, तो बोल तो नहीं पाएगा ना। ऐसे ही भगवान के द्वारा जब सीता जी के मस्तक पर सिंदूर लगाया, तो शोभा को देख करके बड़े बड़े कवि शांत होकर के खड़ी रह गई। ऐसी अद्भुत शोभा हुई। श्री मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ में, श्री उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी के साथ में, और श्रुतकीर्ति जी का विवाह श्री शत्रुघ्न लाल के साथ में हुआ। इस विवाह महोत्सव को देख करके सब लोग सुंदर सुंदर गीतों को गाने लगे। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। भगवान की शोभा को देख करके, श्री जानकी जी की शोभा को देख करके चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, बड़े दुल्हा की शोभा को देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जा करने लगे कि ऐसा भी सौंदर्य होता है। संसार में सबसे सुंदर जोड़ी किसकी है मालूम है? रति की और कामदेव की। और वह कामदेव और रति भी जब राम जी की सीता जी की शोभा को देखने लगे तो भौचक्के होकर के परस्पर वार्ता करने लगे। करोड़ों करोड़ों काम की शोभा भी इनके ऊपर न्योछावर है। धन्य है दोनों, धन्य है। सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए। विवाह की बात तो भोजन की पद्धति है भाई, बिना भोजन कराए कैसे बना। आजकल तो ब्याह तो बाद में देखेंगे देखेंगे, पहले तो पंगति देखी जाती। सारे बराती आकर के घूमते रहते, लगा कि नहीं पहले के समय में बढ़िया पत्तल वत्तल पे पवाते थे, वो पट्टी बिछ जाती थी, फिर पत्तल लगाई जाती थी, फिर सब लोग ऐसे बैठ के आराम से जीमते थे। उसमें फिर बार बार मनुहार किया जाता था, ए भैया देखो एक पूड़ी और लो, एक गरम गरम अभी लेके आ रहे हैं, लो लो, अरे लो लो, वो करते नहीं 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 भैया हो गया पेट फट जाएगा, होता था कि नहीं। आज भी वृंदावन में कई मंदिर हैं, वहाँ ऐसी परंपराएं हैं, तो हम लोग जब जाते हैं प्रसाद पाने तो खूब झगड़ा होता है, अरे एक दोना खीर तो लेनी पड़ेगी, बताओ चार ही दोना पाया, ऐसे थोड़ी होता है। अब आजकल तो ये सब कौन करे, तो वो क्या कहते हैं उसको, बफेलो सिस्टम चालू कर दिया। बफर नहीं है उसका नाम, उसका सही नाम है बफेलो सिस्टम। जैसे भैंस खाती है ना लड़ावनी में मुंह मार के एक साथ में, ऐसे ही कूद पड़ते हैं, जूठा ना पूठा खाते रहेंगे, उसी से निकालते रहेंगे, गपर गपर गपर। अब कहां से प्रेम बढ़े, किसी को पता ही नहीं है कौन आया था शादी में। हाँ आए थे, खा के गए, अपना भोजन कराया जा रहा है, सुंदर पत्तले लगाई गई और सारे अयोध्या वासियों को बैठा करके सारे के सारे मिथिला वासी सुंदर सुंदर भोजन कराने लगे। और जब भोजन कराने लगे तो श्री जनक राय जी भी बोले, भैया देखो हमारी छोरी का ब्याह है, हमारी किशोरी का, हमारी मैथिली का विवाह है, तो हमें भी परोसाई तो करनी चाहिए। लेकर के बढ़िया सुंदर लड्डुओं की परात जनक राय जी चले, और जब जनक राय जी आए तो देख करके अयोध्या वासी धन्य है जनक राय जी, देखो देखो कैसा स्वागत कर रहे हैं, स्वयं इतने बड़े राजा होकर के देखो हम सबको पवाने के लिए लड्डू लेकर के आ रहे हैं। पेट भर भी गया, लेकिन जब जनक राय जी के हाथ के लड्डू आने लगे तो अयोध्या वासियों ने मना भी नहीं किया, कहा अब आपके हाथ का है महाराज, तो कैसे लौटाएं, तो खूब चकाचका आनंद से पाने लगे। अंदर भी बढ़िया सुंदर महल में पंगत लगी। अब अंदर वाली में तो भैया वीआईपी लोग रहेंगे, तो कौन कौन बैठे, बोले चारों दुल्हा सरकार बढ़िया सुंदर बैठ गए। सुंदर सुंदर भोजन के लिए पट्टा बिछाया, स्वर्ण की थाल में बढ़िया बढ़िया पकवान लेकर के रानी महारानियां आ रही हैं। इधर राम जी जब बैठे तो बिना गुरु जी के कैसे बैठे, बिना पिताजी के कैसे बैठे, तो बगल में गुरु जी और पिताजी भी बैठ गए आ करके। अब चारों भाई पाने लगे, और जब पाने लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं, जेवत देही मधुर धुनी गारी, जेवत मधुर धुनी गारी, ले ले नाम पुरुष अरुणा।
जब ये लोग प्रसाद पाने लगे तो गांव देहात में, अब यहाँ तो नहीं पता होता है कि नहीं, गांव देहात में गाली दी जाती है। कुछ माताएं बहनें बैठ जाएंगी ढोलक लेकर के और गाली दे दे करके खूब प्रेम से भोजन पवाती हैं। तो राम जी को भी देख करके सखियां गाली देने लगी। अच्छा, यहाँ वैसे गाली दे लो तो खोपड़ी फूट जाती है, लेकिन ब्याह वाली गाली पड़े तो आहा, भोजन से जितना आदमी मोटा नहीं होता उतना उस गाली को सुन करके मोटा हो जाता। सखियां भगवान को घेर करके कहने लगी, अरे राम जी से पूछे। अच्छा, भजन समझ में आए थे कि नहीं? कल वाले सबके आए थे, पीछे वाले बताओ, नहीं भी आए तो भी ऐसे ऐसे करना। आए थे, बढ़िया बात। अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बबुआ। ए बबुआ, जरा बताओगे? राम जी बोले, क्या? अरे लुगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ। लुगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ। लुगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बबुआ, बतावा बबुआ। लुगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ। लुगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ। राम जी से, बतावा देत काहे गारी, बतावा बबुआ। लुगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ। अब जब सखियां पूछने लगी तो राम जी बोले, भैया कौन गाली दे रहा है, क्या गाली दे रहा है, बताओगे? सखियां कहने लगी, एक बात पूछे तुझसे राम धनुषधारी, एक बात पूछे तुझसे राम धनुषधारी, एक बात पूछे तुझसे राम धनुषधारी, एक बात पूछे तुझसे भाई गोरे काहे, दुई भाई गोरे काहे, दुई भाई कारी, बतावा बबुआ, बतावा बबुआ। लुगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ। लुगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ। भगवान से सखियां कहने लगी, अरे राम जी बताओगे? राम जी बोले, क्या? बोले, एक बात पूछे तुझसे राम धनुषधारी, दुई भाई गोरे काहे और दुई भाई कारी। दो भाई गोरे हो गए, दो भाई काले कैसे रह गए? क्या तुम्हारी मैया ने साबुन लगा करके नहलाया नहीं? राम जी बिचारे शर्मा गए, नीचे सिर कर लिया। दशरथ जी बोले, कहीं हमें नहीं पड़े, तो जल्दी जल्दी से भोजन करने लगे सिर झुका के। सखियों ने कहा, देखो देखो ये कैसे सिर नीचे कर रहे हैं, इनको पकड़ो इनको पकड़ो। सखियां दशरथ जी को देख करके कहने लगी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी कैले होशियारी। बुढ़वा मरद बाके, बुढ़वा मरद बाके, बुढ़वा मरद बाके, बुढ़वा मरद बाके, तीन तीन नारी, बतावा बबुआ, बतावा बबुआ। लुगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ। अब दशरथ जी से कहने लगी, भैया राजा दशरथ जी कैले होशियारी, बड़ी होशियारी किए हैं। बोले, क्या? कहे, बुढ़वा मरदवा के तीन तीन गो नारी,
ये बुढ़ऊ आदमी है और तीन तीन शादी करके बैठे हैं। अब तो वशिष्ठ जी बोले, भैया हमारा नंबर नहीं आए तो फटाफट भोजन करने लगे सिर झुका करके। सखियों ने देखा, कहे पकड़ो पकड़ो गुरु बाबा हैं ये, इनको गाली नहीं दोगी तो फिर गाली का मजा नहीं आएगा। अब श्री वशिष्ठ जी को देख करके सखियां कहने लगी, ए बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, 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 देखन में पातर लागे, देखन में पातर लागे, देखन में पातर लागे, देखन में पातर लागे, खाए भर के थाली बतावा बबुआ, बतावा बबुआ, लुगवा देत काहे नाही, बतावा बबुआ, लुगवा देत काहे नाही, बतावा बबुआ। रामजी से पूछे जनकपुर के नाही, बतावा बबुआ, लुगवा देत काहे नाही, बतावा बबुआ, जब वशिष्ठ जी को गाली पड़ी तो राम जी थोड़ा सा नाराज हो गए। गुरु जी को भी कह रही हो? तो सखियां बोली, महाराज हम सब बड़ी भोली भाली हैं और शादी विवाह की है तो परपाटी होती है, हमने आपको अपना माना इसलिए आपके गुरु जी को भी अपना मान के कुछ कह दिया, आप नाराज मत होइए, भगवान से प्रार्थना करती हैं। कहते रसिक जन मन में बिचारी, कहते रसिक जन मन में बिचारी, कहते रसिक जन, कहते रसिक जन, कहते रसिक जन मन में बिचारी, कहते रसिक जन मन में बिचारी, हम सब लगन पहुना, हम सब लगन पहुना, सरहज और सारी बतावा बबुआ, बतावा बबुआ, लुगवा देत काहे गाई, बतावा बबुआ, लुगवा देत काहे गाई, बतावा बबुआ। हर राम जी से, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बबुआ, हे बबुआ, लुगवा देत काहे गाई, बतावा बबुआ, लुगवा देत काहे गाई, बतावा बबुआ, लुगवा देत काहे गाई, बतावा बबुआ। हरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बबुआ, बतावा बबुआ, लुगवा देत काहे गाई, बतावा बबुआ, लुगवा देत काहे गाई, बतावा बबुआ, बोली दुल्हा सरकार की। भगवान से कहने लगी, महाराज हम आपकी साली हैं तो सालियों का इतना तो अधिकार बनता ही है। रघुनाथ जी महाराज मुस्कुराने लगे, प्रसाद पूरा हुआ, लेकर के चले चारों के चारों दुल्हा, सुंदर सुंदर महल में जाकर के विश्राम किया। अब सुबह से लेकर के शाम तक सखियां घेरी रहें, तरह तरह के पकवान बना बना करके पवावें, खूब आनंद के साथ में भगवान से प्रार्थना करती हुए रहने लगी। बहुत दिवस बीते एही भांति, जनु सने हर जुबधे बराती। मिथिला वालों ने इतना प्रेम दिया, आज भी उन मिथिला वालों का प्रेम, अभी रामलला का जब प्रतिष्ठा मुहूर्त निकला, भगवान की प्रतिष्ठा होनी है, हम लोग देख रहे थे, न्यूज वगैरह में आता था, खूब सुंदर सुंदर
पैर की पायल, गले का हार, खूब सारी सामग्री मिथिला वालों ने भेजी अयोध्या कि हमारी जानकी, हमारी मैथिली के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी, नए घर में विराजमान होने जा रही हैं, हमारे राम जी, हमारे दामाद जी बैठने वाले हैं, तो खूब बधाई भर भर के ट्रकों में लेकर के आए। आज भी इतना प्रेम है, आज भी मिथिला के जो महात्मा लोग हैं राम जी भी आते हैं, कहते काय बात के राम जी, अरे राम को राम हमारी मैथिली ने बनाया, नहीं होते तो घूमते रहते इधर से उधर कबाड़ी की तरह। वहां के महात्मा लोग आज भी राम जी की महिमा नहीं मानते, वो तो हमारी जानकी की महिमा है जो उनकी महिमा बढ़ी। और नहीं तो बताओ, जब तक ब्याह नहीं हुआ था 11 साल तक क्या किया इनने, 11 साल तक क्या किया इनने, घूमी तो रहे थे लेकर के धनुष बाण। बोले जब हमारी मैथिली आई तब इनके भाग्य बदले। आज भी इतना स्नेह प्रेम करते हैं, इतना प्रेम किया, जब चलने की बात कहें तो इनकी आंखों में आंसू आ जाए, भैया जाओ नहीं, आप सब यहीं रुक जाओ। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भये प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराऊ। अब श्री दशरथ जी महाराज ने श्री जनक राय जी से कहा, महाराज अब तो बहुत दिन हो गए, आप कृपा करिए और अब हम लोग यहाँ से चल करके वापस अपने देश जाना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं, बहुत दिन हो गया महाराज, अब आप कृपा करें। जब सुना तो जितने मिथिलावासी थे, जनक राय जी थे, नेत्रों में अश्रु धारा आ गई। कहा महाराज अब अभी जाने की मत को, अभी तो ब्याह हुए कितने दिन हुए, कुछ सेवा का मौका तो दीजिए, कुछ तो सेवा करें आपकी, फिर कब सेवा का सौभाग्य मिलेगा। कहा नहीं नहीं महाराज, अब बहुत दिन हो गए सेवा करते, एक एक दिन तो आप बढ़ाते ही जा रहे हो। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है, अब आपके जाने की हम लोग तैयारी बनाते हैं। भरी भरी बस सह अपार कहारा, पठई जने जनक अनेक सुसारा, तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरुसीसा। खूब सारे कहार आए और भर भर करके भेंट लेकर के आने लगे। इधर तुरग लाख, 1,00,000 घोड़ों को जनक राय जी ने दहेज में दिया भगवान श्री रामचंद्र को, और रथ सहस पचीसा, 25,000 सुंदर सुंदर रथ दिए, सकल सवारे नख अरुशीसा, ऐसे घोड़े हैं, ऐसे सुंदर हाथी दिए, मत्त सहस दस सिंधुर साजे, खूब सुंदर सुंदर हाथियों को सुंदर आभूषणों से सुसज्जित करके दिया, देख करके जिनको दिशाओं के जो दिग्गज गज हैं वह भी लज्जा करने लगे, क्या ऐसा भी सौंदर्य हो सकता है, ऐसे सुंदर दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। लोकपति जब देखने लगे, इंद्रादिक देवता जब इस दहेज को देखने लगे, तो देख करके जनक जी की प्रशंसा करने लगे, बोले इतना तो हमारे पास भी नहीं जितना इन्होंने दे दिया, जब दिया इतना है तो होगा कितना जो इतना दे चुके, धन्य है इनकी संपत्ति, इनकी संपत्ति इतना कैसे बढ़ गई। बोले जहां साक्षात श्री जी विराजमान हो, जहां जनक नंदिनी जानकी विराजमान हो, वहां की संपत्ति का कोई क्या पार पाएगा, श्री जानकी जी की संपत्ति, जानकी जी के पधारने से मिथिला की संपत्ति बढ़ गई। यहां दहेज जो दिया जा रहा है मांग के नहीं है, दहेज की प्रथा ये शास्त्रीय प्रथा है, देना चाहिए लेकिन मांगना नहीं चाहिए कि इतना चाहिए। आजकल जो दहेज सुप्रथा को लोगों ने कुप्रथा बना दिया, ये बहुत गड़बड़ बात है, ये सुप्रथा है। कुछ पिता अपनी कन्या के लिए ये जा रही है, इसको कुछ देके विदा करना है, तब देते हैं प्रेम से, सहर्ष से दिया जाए वो दहेज होता है। अब इतना चाहिए, बेचारी वो अपनी कन्या दे रहा है, अब उसका प्राण चूस करके इतना इतना दो, नहीं तो लौटा ले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो फिर महापाप है भैया, ऐसा दहेज फिर पचने वाला नहीं।
पूरे घर का पूरे खानदान का नाश कर देगा, वो हाय लग करके आंसू गिर के जो दहेज दिया जाए वो काम में नहीं आने वाला। ऐसा दहेज कभी नहीं मांगना चाहिए, जो मिले सो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इतना ही, ये बहुत गलत प्रथा है। लोग दहेज के नाम से चिढ़ते हैं कि भाई दहेज दहेज पुराने जमाने में दहेज होता था। भाई दहेज तो सुप्रथा है। जैसे व्यक्ति गोदान करता है तो गोदान के समय पर गाय के साथ में सुंदर कंबल भी देता है, सॉल भी देता है, गाय के खुरों को चांदी से सोने से जितनी अपनी सामर्थ्य है मढ़वाता भी है, एक वर्ष का गाय के लिए भोजन भी देता है, चारा पानी भी देता है। ऐसे ही कन्या का भी दान कर रहे हैं तो उस कन्या के दान के साथ में कन्या के निमित्त जितना हम दे सकते हैं उतना देने का विधान शास्त्र कहते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि हमको एक सर्टिफिकेट मिल गया कि हम मांग सकते हैं। कभी नहीं ऐसा करिए। आपके यहाँ वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा चली आ रही है, अब इससे बढ़ के क्या चाहिए। उनके पैर पड़ेंगे तो आपके घर में अपने आप सुख समृद्धि आ जाएगी। लेकिन दुखी करके मांगोगे तो भैया ये ठीक नहीं है, फिर ऐसी प्रथा तो कुप्रथा ही कही जाएगी। ये सुप्रथा है, इसको कुप्रथा नहीं बनाना चाहिए। भगवान ने खूब खूब दिया, श्री जनक जी ने लेकर के श्री ठाकुर जी चलने लगे। सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखियायसु अनुसरहु। बारात चलने को हुई, श्री जानकी जी को आकर के उनकी माताजी समझाने लगी, बेटी देखो कुछ ससुराल में जाकर के ऐसा नहीं कर देना कि हमारे कुल के ऊपर कलंक लगे। जो सास कहे जो ससुर कहे वही करना, जो पति का मन करे वही करना, अपने मन की नहीं चलाना। स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है, जैसा वो कहे वैसा मान करके चलना, तेरा कल्याण हो जाएगा। जानकी जी को सीख देने लगी। इधर जब सखियों को पता चला कि भगवान चले जा रहे हैं तो भगवान को जाकर के सखियां मनाने लगीं कि हे रघुनाथ जी अभी मत जाइए। प्रार्थना करते हुए सखियां कहती हैं, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना जौने सुख बा ससुरारी में, 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 तौने सुख ना कहूँ बा ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाएब हो, रोज सवेरे टन मल के इतर से नहवाएब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएब हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाएब। झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एक देहू ना ए पहुना सखियां कहने लगी, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, यहीं रहिए ना, जौने सुखवा ससुरारी में तौने सुख ना कहीं बा। जो ससुराली का सुख है महाराज वो कहीं मिलने वाला नहीं। राम जी बोले क्या सुख मिलेगा भैया, सखियां कहती हैं
रोज सुबेरे उबटन मल कर इतर से नहबाऊ। पानी से नहीं नहलाएंगी, उबटन लगा करके सेंट से इत्र से ही आपको नहलाएंगी और एक महीना के भीतर करिया से गोर बनायो। आपको एक महीने महाराज काले से गोरा बना देंगी। आप हमारी बात का विश्वास करो, एक बार रुक तो जाओ। लखनलाल जी बोले ठीक है, भैया का तो ठीक है, हमारे लिए क्या होगा? बोले महाराज आपके लिए भी होगा। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज की गारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साहिज सरहब की गारी। बार बार हम करब चिरौरी हो, बार बार हम करब चिरौरी और कछु ले हुना हे पहुना मिथिले में रहुना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, कौने सुख बा कहुना हे पहुना मिथिले में रहुना। लक्ष्मण जी बोले क्या मिलेगा? तो सखियां कहने लगी नित नवीन मन भावन व्यंजन, खूब सुंदर सुंदर जो आप कहोगे, पर सब कंचन थारी, खूब सुंदर सोने की थाली में आपको पवाएंगी। और महाराज स्वाद भूख बढ़ी जाए, इतनी बढ़िया रहेगी कि आपका स्वाद बढ़ेगा और भूख भी बढ़ेगी। लखनलाल जी बोले वो तो हम अयोध्या में बनवा लेंगे, अब हमें चलन दो भैया सामान पे के, अब नहीं बैठेंगे। बोले महाराज अयोध्या में बनवा तो लोगे, लेकिन जब साली सरहज की गाली पड़ती है तब जो स्वाद आता है वो वहां कौन देगा आपको? तो भूख स्वाद बढ़ी जाए सुन सारी सरहज की गारी, हमारी गालियां सुन सुन करके और स्वाद आपको आएगा। तो महाराज यहीं रह जाइए। और बार बार हम करब चिरौरी, हम बार बार कहेंगे, क्या कहेंगी? और कछु ले हुना, अरे थोड़ा ये भी ले लीजिए, अरे इसको भी ले लीजिए, बार बार आपसे हम करेंगे। सखियां कहती हैं कमला बिमला दूध मती में झीझर खूब खिलाएब हो। कमला बिमला दूध मती में झिझरी खूब खिलाएब। सावन में गजरी गागा के झोला जूज झुलायुब हो। सावन में कजरी गागा कर झूला रोज झुलायुब। पवन देव से करब निहोरा हो, पवन देव से करब निहोरा हौले हौले बहुना हे पहुना मिथिले में रहुना। हे पहुना मिथिले में रहुना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, कौने सुख बा कहुना हे पहुना मिथिले में रहुना। हे पहुना मिथिले में रहुना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, कौने सुख ना कहीं बा हे पहुना मिथिले में रहुना। हे पहुना मिथिले में रहुना। हे पहुना बहुना मिथिले रहुना।
कह करके सखियां राम जी के आगे रोने लगी। भगवान ने संभाला, कहा देखो देखो जाएंगे ने जाएंगे, चिंता नहीं करो, एक बार कम से अयोध्या तो जाने दो। कह के भगवान सखियों को समझा, तैयारी है, चली ही बारात सुनत सब रानी, विकल मीन गन जन लघु पानी, पुनि पुनि सीय गोद कर ले ही, दे असीस सिखाव। बार बार सीता जी को अपनी गोद में ले ले रही हैं, हृदय से लगा लगा करके सीख दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, खूब मंगल हो, सदा प्रसन्न रहना बेटी, अयोध्या में मिथिला से ज्यादा तुझे प्रेम प्राप्त हो, कोई कमी तेरे अयोध्या में तेरे लिए प्राप्त ना हो। भगवान रामचंद्र भी सज धज करके चले, और अब मिलना तो होता है ना, जाते समय एक बार तो सबसे मिला जाता है। भगवान आकर के अपनी सास के चरणों में प्रणाम करने लगे। जैसे ही भगवान को आते देखा, दौड़ करके श्री रामचंद्र भगवान को अपने हृदय से लगा लिया, जोर जोर से रोने लगी, मेरी मेरी सीता का ध्यान रखना, हे रघुनाथ जी बहुत छोटी है अभी, कोई अगर अपराध भी कर दे तो आप उसकी रक्षा करना, उसको कोई, हमने आज तक ऊंचे स्वर में कभी कुछ कहा नहीं, अगर कोई तेज बोले तो सीता कांप जाती है, आप उसका ध्यान रखना। सुनी सनेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सनमानी। भगवान ने बहुत समझाया, हाथ जोड़ करके भगवान विदा मांगने लगे। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। राम जी प्रणाम करके बोले, माँ आप चिंता मत करना, कभी जीवन में सीता के लिए कोई कष्ट नहीं होगा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर के मैं उसकी रक्षा करूंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। श्री रघुनाथ जी चलने लगे तो बार बार रोते हुए पीछे पीछे चल के आने लगी। इधर जनक जी को पता चला, सब कुछ सच सच धर के तैयार हैं, बारात चलने वाली है, अब रथ पर सब लोग विराजमान हो गए हैं। अपने भवन से जनक राय जी दौड़ पड़े, बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। अभी तक तो बहुत अपने को धैर्य से रोक रखा था जनक राय जी ने, लेकिन जब सीता जी के जाने की बेला आई, राम जी दशरथ जी सब रथ पर हुआ था, वो बांध भी टूट गया, नेत्रों से झर 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 नेत्रों से अश्रु की धारा जनक जी के बहने लगी। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम वैरागी। बड़े वैरागी कहे जाते थे जनक जी, भगवान भी गीता में कहते हैं कि ज्ञानियों में तो जनक जी का कोई सानी नहीं, उनके जैसा कोई नहीं, इतने बड़े धैर्यवान ज्ञानी जनक जी भी जब सीता जी को जाता हुआ देखने लगे तो ज्ञान की जो मर्यादा थी, गोस्वामी जी कहते हैं, लीन है राय उर लाय जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की, ज्ञान की मर्यादा भी टूट गई, सीता जी को अपने हृदय से लिपटा लिया और जोर जोर से फूट फूट करके जनक जी रोने लगे। रघुनाथ जी ने उतर करके कंधे पे हाथ रखा, समझाया, कहा पिताजी आप ऐसे अधीर मत होइए, आप ऐसे अधीर होंगे तो फिर हम लोगों को कौन संभालेगा, इन सीता जी को कैसे हम लेकर के जाएंगे, इनको कौन संभाल पाएगा। पिता प्रसन्न होकर के विदा करे तो लड़की भी मन में धैर्य रख करके चलती कि चलो पिताजी तो प्रसन्न हैं, और जब लड़की देखे कि मेरा पिता फूट फूट करके रो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो क्या कोई लड़की विदा होगी कभी, आप धैर्य रखिए। हो ही सहस दस सारद से सा, करहीं कलप कोटि कभरी लेखा। जनक जी ने अपने आंसुओं को पोंछ करके कहा, करोड़ों करोड़ों पन्नों में अगर शारदा शेष जी भी लिखने बैठे तो भी मेरे भाग्य को नहीं लिख सकते,
आपके जैसे दामाद मुझे प्राप्त हुए, श्री दशरथ जी जैसे मुझको संभी प्राप्त हुए, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बस अब हे रघुनाथ जी, आपके चरणों में मैं प्रार्थना करते हुए एक ही बात कहता हूँ। जनक राय जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगे और कहते हुए उनके नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा बहने लगी। बार बार मांगो कर जोरे, बार 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 मांगो कर जोरे, बार बार मनु परिहरे चरण जनी भोरे, मनु परिहरे चरण जनी भोरे, मनु परिहरे चरण। एक ही आपके चरणों में प्रेम से प्रार्थना करता हूँ, प्रेम पूर्वक बस एक ही प्रार्थना है, प्रभो आपके श्री चरणों में सदा मेरा प्रेम बना रहे और आप सदा मेरी लाली का ध्यान रखिएगा। जानकी कभी मुझसे अलग नहीं रही, जब से जन्म हुआ सदा मैंने इसको अपने हृदय से लगा करके रखा। आज इसको विदा करते समय लगता है कि प्राण अगर शरीर से छूटे तो वो सरलता है, प्राण अगर शरीर छोड़ के जाए तो बहुत सहज है, वो चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राण के जाने से ज्यादा कष्ट मुझे मेरी जानकी के जाने का है। पर हर पिता के जीवन में यह एक न एक दिन तो आता ही है। मैं अपने प्राणों को आपको सौंप रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। श्री जानकी जी की डोली चली, जनक जी को भगवान ने समझाया कि आप यहीं रुकिए। जनक राय जी खड़े हो गए, लेकिन जब पालकी चली तो अपने को रोक नहीं पाए, विकल हो करके रोते हुए पीछे पीछे दौड़ पड़े। भगवान ने पुनः रथ से उतर करके जनक जी को संभाला, कहा महाराज ऐसा ही बारंबार करेंगे तो फिर बारात तो जा नहीं पाएगी, आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी पुत्री अपने ससुराल न जाए। सुना तो जनक जी बोले नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि मेरी पुत्री सुखी हो रह करके प्रसन्नता से अपने ससुराल को जाए। सीता जी अपने पिता को देख करके रोने लगी। श्री जनक जी ने समझाया, बेटी अब मैं नहीं रोऊंगा, तू प्रसन्न होकर के जा, मैं भी एक आंसू नहीं बहाऊंगा। सीता जी के नेत्रों के अश्रुओं को पोंछा। भगवान श्री रामचंद्र रथ पर विराजमान हुए, चारों बहनों की पालकी उठी और श्री जनक राय जी की प्यारी बेटी अब अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गई। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, बेटी जनक की अवध को चली, माँ की ममता चली घर की प्यारी। बेटी
माँ सुने ना कि आँखों की पुतली चली प्यारी सुने ना कि आँखों की पुतली चली प्यारी बेटी में ना पुकारे सिया ओ सिया होता में ना पुकारे सिया ओ सिया बंद पिंजड़े में क्यों तूने मुझको किया बंद पिंजड़े में क्यों तूने मुझको किया आज उड़ जाते हम भी अवध की गली प्यारी आज उड़े जाते हम भी अवधी गली प्यारी रो वो नहीं ना रो सार का तोता रो वो नहीं तोता रो वो नहीं ना रो वो सार का तोता रो आंसुओं से भरा है जीवन नारी का आंसुओं से भरा जीवन नारी का कह देना पिता से बुलावे लली प्यारी पालकी उठी
जनक जी ने अपने को संभाला, बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। श्री जनक जी के प्रेम की सराहना करते हुए रघुनाथ जी चारों भाइयों के साथ रथ में बैठ करके चले। आज हमारा सौभाग्य है जो जनक राय जी जैसे ससुर हमको प्राप्त हुए। भगवान जब चले बीच बीच बरवास करी, मगलोगन सुख देत, अबद समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। अबद के पास बारात पहुंची। यहाँ जब अवध में पता चला कि बारात आ गई है तो सब के सब अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए। पूरी की पूरी अयोध्या को दुल्हन के समान सजा दिया गया। बंदरवार बांधे गए, सुंदर ध्वजा तोरण पताका लगाया गया। और जैसे ही भगवान की बारात में प्रवेश किया, जैसे ही रघुनाथ जी रथ के सहित अंदर पधारे, देख करके सारे के सारे पुरवासी प्रसन्न हो गए। पुरवासी न तब राय जोहारे, देखत राम ही भये सुखारे। पुरवासियों ने जब रघुनाथ जी को आता हुआ देखा तो देख करके प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। करहीं निछावरी मणिगण चीरा, बारी बिलोचन पुलक सरीरा। कपड़ों को फाड़ फाड़ करके भगवान की नजर उतारने लगे और जो जो हाथ में आए सोना चांदी हीरे जवाहरात भगवान पर उसार उसार करके बंदी जनों को सूत माधत आदि को लुटाने लगे और नेत्रों से झरझर आंसू की धारा बहने लगी। भगवान का दर्शन किया, आहा हा देखो हमारे लाला आ गए, कितने दिन से गए हुए थे, श्री कौशिक जी लेकर के गए, लेकिन देखो भैया भला हुआ, अगर यहीं रह जाते तो ब्याह कब हो पाता कोई पता नहीं, लेकिन देखो गए तो साथ में अकेले नहीं, तीनों भाइयों का भी जुगाड़ लगा करके लेकर के आ रहे हैं। वाह वाह वाह, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। पुनि पुनि सिया राम छवि देखी, मुदित सकल जग जीवन लेखी। श्री जानकी जी के मुखारविंद को देखने लगी, देख करके सखियां प्रसन्न हो गई। धन्य है क्या छवि है, हे प्रभु इस छवि के ऊपर हमारे सारे पुण्य हम बारी बारी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। अच्छा संसार के लोग सुनेंगे तो उनको आश्चर्य लगे, भगवान को कोई आशीर्वाद दे सकता है क्या? लेकिन प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, जब प्रेम भक्त का उत्कर्ष को प्राप्त करता है तो भक्त भी भगवान को आशीर्वाद देने लगता है। एक महात्मा हुए, उनका नाम था विष्णु चित्त, भगवान में ही मन लगा रहता था। तो एक दिन एक राजा था बहुत बड़ा, उसने एक शास्त्रार्थ की घोषणा की और बहुत सारा धन उसने टांग दिया ऊपर। बोले कि जो कोई भी शास्त्रार्थ जीतेगा, मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक देगा, तो घंटा बोलेगा और वो सारा धन वो लेकर के चला जाएगा। तो भगवान ने उनको आज्ञा दी विष्णु चित्त जी को। बोले विष्णु चित्त जी आप जाओ वहां राजा के। बोले महाराज हम तो पढ़े लिखे कुछ नहीं, हम क्या बोलेंगे, हम अनपढ़, हमें क्या पता। बोले अब हम कह रहे हैं ना, हमारे कहने पे जाओ। और गए वहां राजा की सभा में, बड़े बड़े पंडित बैठे थे, तो देखे अरे ये माली कहां से चला आया, वो माली का काम करते थे, फूल माला बनाते थे भगवान के मंदिर में, ये क्या करेगा, ये मूर्ख यहाँ क्या करने आया। राजा ने कहा शांत आए हैं तो उनको भी बताने दीजिए। राजा ने जब प्रश्न किए तो उनके मुख से वेद वेदांत का अद्भुत प्रवचन निकला। बड़े बड़े पंडित देख करके आश्चर्य पड़ गए, बोले ये कहां से आया भैया, एकाएक इसको क्या हो गया, इतना प्रवचन सुंदर किया। राजा की सारी शंका दूर हो गई। बहुत बड़ा घंटा था, बजने लगा, सब धन दे दिया, रथ पर हाथी के ऊपर बैठ करके जाने लगे। और जब जाने लगे तो भगवान ने सोचा चलो इनको चल करके दर्शन दे देते हैं। जब दर्शन देने आए तो देख करके वो विष्णु चित्त जो महात्मा थे, भक्त थे, घबरा गए। बोले हे नाथ आप यहाँ क्या करने चले आए, ये संसार बड़ा गंदा है, आपके रहने योग्य नहीं है, आपको कहीं यहाँ की गंदगी नहीं लग जाए, तो हे भगवान मैं आशीर्वाद देता हूँ आपकी गदा सही सलामत रहे, आपका चक्र सुरक्षित रहे, कोई चुरा के नहीं भग जाए, आपका शंख सही रहे, आपके मुख की शोभा सदा बनी रहे। खूब आशीर्वाद देने लगे।
तो भक्त भी भगवान को आशीर्वाद देते हैं और वह भक्तों का आशीर्वाद ही तो भगवान को प्रसन्नता देता है। मांगने वाले जब जाते हैं तो भगवान भी देख के बोलते हैं आ गया टेंशन देने, अब एक घंटा लिस्ट पढ़ेगा जे दे दो वो दे दो, अकरना धरना कुछ नहीं है। एक नारियल चढ़ाएगा वो भी फोड़ करके खुद ही खाएगा, है भगवान थोड़ी कुछ लेके धर लेते हैं। अरे हम लोग एक किलो पेड़ा का भोग लगाएं तो वापस जाके तोलो एक किलो से ज्यादा ही हो जाएगा, तुलसी का भी भजन भगवान दे देते हैं, लो जाओ आनंद करो, कोई क्या देगा भगवान को। लेकिन जब भक्त आते हैं तो भगवान भी गदगद हो जाते हैं, देखो आया अब ये मुझे आशीर्वाद देगा। तो कोई पूछे भगवान से क्या आपको आशीर्वाद की जरूरत है, भगवान बोले बिल्कुल जरूरत है, मेरे भक्त जब आशीर्वाद देते हैं तो मेरी भगवत्ता बढ़ जाती है। तो खूब आशीर्वाद भगवान को देने लगे, आकर के सारी की सारी सखियां आशीर्वाद देने लगी। कभी ये जोड़ी कभी अलग ना हो, ये जोड़ी सदा बनी रहे। भक्तों का भाव भगवान से मांगना नहीं होता, भगवान को देना है। अरे मांगने वाले तो बाहर बैठते हैं मंदिर के, कटोरा लेके वो बाहर बैठते हैं, भक्तों का काम कटोरा लेके बैठना नहीं है, भक्त तो भगवान को भी दे देते हैं। आप भी जाओ भगवान से कहते हैं जय जय मेरे वेंकट बाबू सब दिन सुखी रहो सरकार, हे प्रभु हे वेंकटेश भगवान आप सदा सुखी रहो, खूब आनंद से आपको पुजारी ऐसे मिले, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनावे, खूब सुंदर सुंदर आपको मालपुआ पवावे, महाराज आनंद करो, खूब घी की रबड़ी घी की खूब बढ़िया पकौड़ी छानो, खूब दूध की रबड़ी खाओ। भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। सखियां आ आ करके दर्शन करने लगी, चार सिंहासन सहज सुहाए जनु मनोज निज हाथ बनाए, चार सुंदर सिंहासनों को विराजमान कर दिया गया और देख के लगने लगा कि साक्षात कामदेव ने अपने हाथों से बनाया है इसको। चारों के ऊपर तीन पर कुंवरी कुंवर बैठा रे सादर पाए पुनीत पखारे, दोनों दोनों जोड़ा लगा करके सब बैठ गए। चार सिंहासनों पर आठ जने आकर के बैठ गए और पुरवासी आकर के सुंदर भगवान के जानकी जी के चरणों को पखारने लगे, वो प्रेम प्रेम से खूब आनंद से पैरों को पखारें और मंगल मनावें। क्या मंगल मना रहे हैं, तो हम लोग आप लोग भी मनाएं कि नहीं मंगल भगवान का, सबको मनाना है कि नहीं मनाना, कौन कौन मंगल मनाएंगे ठाकुर जी का हमारे, आप लोग हाथ उठाओ जरा। हाँ सभी मनाएंगे, तो सबकी सब सखियां और सारे के सारे अयोध्या वासी कहने लगे सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम गाइए सब लोग प्रेम से, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। जब तक पृथ्वी अहि शीश रहे, जब तक क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, जब तक ये पृथ्वी शेष के फन के ऊपर रहे, जब तक पृथ्वी अहि शीश रहे, जब तक नभ शशि और सूर्य प्रकाश रहे, नभ शशि और सूर्य प्रकाश रहे, गंगा जमुना की धारा बहती रहे, गंगा जमुना की धारा, तब तक यह बानक बना रहे, तब
तक यह बानक बना रहे सिया रानी का अचल सुहागे, सिया रानी का अचल सुहागे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। अब अगली जो पंक्ति है ना, बहुत अद्भुत है। आज तक सीताराम जी का झगड़ा क्यों नहीं हुआ? बोले ये जो आशीर्वाद दे दिया था ना अयोध्या वालों ने, इसलिए झगड़ा नहीं हुआ आज तक। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? ये बनी रहे अभी चलती अवध का राज रहे, अवध का राज रहे, अविरल श्री सरजू की धार बहे, अविरल श्री सरजू की धार बहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग। अब भगवान को तो हो गया, बोले ये करने से तुम्हें क्या मिलेगा, तो अपनी भी बताने लगी हमें क्या मिलेगा। प्रेमी जन बड़े भाग रहे नित चरणों में अनुराग रहे, नित चरणों में अनुराग रहे, सुहाग रहे सिर ताज रहे, ये सुहाग रहे सिर ताज रहे, ये सुहाग रहे सिर ताज रहे, ये सुहाग नित नित यह बानक बना रहे, नित नित यह बानक बना रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, सिया रानी का अचल। राजा राम जी के सिर पर क्या रहे, बोलिए बोलिए। सिया राम जी, राजा राम जी के सिर पर सिया रानी का अचल रहे।
देही असीस जुहारी सब गावहीं गुन गन गाथ तब गुरु भूसुर सहित गृह गवनु कीन रघुनाथ। खूब आशीर्वाद दिया अयोध्या वासियों ने भगवान गुरुजनों के चरणों में वशिष्ठ जी का अनुशासन पाकर के प्रणाम करके अपने भवन को चले। और जब भवन को गए तो कैकेयी माता इंतजार करती बैठी थी। जैसे ही राम जी आए गोद में उठा लिया, सीता जी को गोद में उठा लिया और बोले आज पहली बार मैंने अपनी बहू का मुख देखा है, तो मुख दिखाऊ, मुख दिखाई में मैं अपनी बहू के लिए कुछ बनवा करके रखी हूँ, अब ये पुराने में नहीं रहना है, कुछ और नया बना है। बोले इतना जल्दी क्या बन गया? बोले अब बन गया सो बन गया, अब चल करके वहीं देखो और फिर बाद में पूछना कि इतना जल्दी कैसे बन गया, बस बन गया इतना ही समझो। और लेकर के चली सुंदर कनक भवन। अयोध्या में आज भी एक मंदिर है जिसका नाम है कनक भवन, वो माता कैकेयी ने श्री जानकी जी को मुख दिखाई में दिया था। उस भवन में भगवान ने प्रवेश किया, अद्भुत शोभा अयोध्या की हो गई। इधर विश्वामित्र जी ने कहा भैया बहुत दिन हो गए अब चलना चाहिए। विश्वामित्र चलन नित चहही राम सप्रेम विनय बस रही। श्री विश्वामित्र जी चलना चाहते लेकिन राम जी रोज हाथ जोड़ के कहें गुरु जी अब कल चले जाइएगा, आज मुहूर्त थोड़ा गड़बड़ा रहा है तो आज आप मत जाओ, अब आप कल जाना। कल 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 करते करते बहुत दिन बीत गए। नहीं अब तो जाएंगे भैया, देखो अब मत रोको, अब तो बहुत समय हो गया। विश्वामित्र जी विदा लेकर के चले। और जैसे ही विश्वामित्र जी चले जनक श्री दशरथ जी को पता चला, आ करके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके बोले नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवकु समेत सुत छारी। हे नाथ ये सारी संपत्ति आपकी है, मैं अपने चारों पुत्रों के साथ सदा आपका सेवक हूँ, जब कृपा करें जब आपको जो आदेश देना हो आप हमको दीजिएगा। कह करके विश्वामित्र जी को विदा किया। भगवान श्री रामचंद्र आकर के विराजमान हुए। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान ब्याह करके आए तब से नित्य मंगल होने लगा, मोद होने लगा, जगह जगह पर सुंदर सुंदर गीत होने लगे, लोग प्रशंसा करने लगे सीता रामचंद्र जी की। भगवान को दर्शन करने आवे सबके उर अभिलाषुअस कहि मनाई महेशु आप अछत जुब राज पद राम ही देउ नरेशु। सबके मन में एक अभिलाषा हो गई जब राम जी को देखें, सीता जी को देखें, इनके सील स्वभाव को देखें। जो कोई जाता था राम जी सीता जी इतने प्रेम से मिलते थे कि उनके सील स्वभाव को देख करके सबके मन में यही अभिलाषा हो गई, अब यही हमारे राजा हो जाते तो कितना काम बन जाता, अगर यही हमारे राजा हो जाते तो कितना प्रेम बन जाता। तो सब लोग एक दूसरे से चर्चा करने लगे और ये चर्चा धीरे धीरे पहुंच गई कहां, अयोध्या के मंत्रियों के कान में। तो मंत्री तो सब तैयारी बैठे थे कि एक बार जाके महाराज से कह दें, और जब अयोध्या वालों की बात सुनी तो फिर तो और बल बढ़ गया कि भैया हमारी बात तो है ही नहीं, चल करके महाराज से कहेंगे। सारे के सारे मंत्री लोगों ने जाकर के राजा से कहा नृप जुब राजु राम कहूं देहू जीवन जन्म लाहू कि नहीं। हे महाराज आप कृपा करें और अब ये जो राजकुमार का पद है, युवराज पद है, यह युवराज का पद श्री राम जी को दे दीजिए और अपने जीवन को सफल बना लीजिए। राजा बोले कि हम भी यही सोचते बैठे थे, अब देखो हमारे सब बाल सफेद होने लगे धीरे धीरे, अब कब तक आप सबका पालन करते रहेंगे, अब हमें भी थोड़ा आराम चाहिए। तो महाराज अब तो सारी प्रजा की कामना है आप जो है राम जी को राजा बना दीजिए। इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम
गजेन महतायांतं रामं छत्राव्रताननम्। एक ही अभिलाषा सारी की सारी प्रजा की है, आपके शत्रुंजय गज के ऊपर। श्री दशरथ जी के गज का नाम है शत्रुंजय। उस गज के ऊपर राम जी को बैठा करके आप लेकर के चलिए, आप उनको लेकर के राजकुमार बना करके लेकर के अयोध्या में भ्रमण कराइए। जब सुना तो प्रसन्न हो गए, बोले क्या आप लोगों का ही मत है? बोले महाराज हमारा ही नहीं है, सारी प्रजा का मत है, सारी प्रजा का मत है। आप राजा बना दीजिए, सारी प्रजा यह चाहती है। सुनकर के दशरथ जी महाराज प्रसन्न हुए और जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले महाराज आज बहुत सौभाग्य की घड़ी प्रकट हुई है। क्या बात है, आज आपका चेहरा कुछ ज्यादा ही प्रसन्न लग रहा है। महाराज सारे के सारे प्रजा की तरफ से एक आदेश आया है हमारे लिए। क्या आदेश है महाराज? आदेश यह है, नाथ राम करियहिं युवराज। हे नाथ, राम जी को युवराज बनाने के लिए सारी प्रजा आतुर हो रही है, आप कृपा करके अब राम को यह जाकर के सूचना करें। और क्या करना है, कैसे करना है, आप मुहूर्त निकाल दीजिए। सुनकर के प्रसन्न हुए श्री वशिष्ठ जी ने कहा हम जाते हैं, पहले राम से जाकर के यह सूचना बता करके आते हैं। श्री रघुनाथ जी महाराज के यहाँ चले और जब पहुंचे श्री वशिष्ठ जी महाराज, तो राम जी को पता चला कि गुरुदेव यहाँ पर आए हैं। दौड़ करके गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव को प्रणाम करके भगवान श्री रामचंद्र उनको अपने भवन में लेकर के आए और प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव आप आज्ञा करते हम ही आपका दर्शन करने आते, आपको यहाँ तक चल के आने का कष्ट हुआ, लेकिन चलिए सौभाग्य है, कम से कम इसी बहाने आपके चरण तो हमारे महल में पड़ गए। आज्ञा करें, यह सेवक आपकी क्या सेवा करे? श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, भूप सजेउ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हीं युवराजू। हे राम, श्री दशरथ जी के मन में भावना है कि वह तुमको युवराज पद देना चाहते हैं। जब सुना तो श्री राम जी का चेहरा लटक गया, राम जी प्रसन्न नहीं हुए, दुखी हो गए और बोले कि गुरुदेव जन में एक संग सब भाई, भोजन सयन केरी लर काई। एक साथ केली, केली कहते हैं खेल को, एक साथ खेले, एक साथ जन्म हुआ, एक साथ जने हुआ, एक साथ हमारा विवाह भी हुआ और उसके बाद राज्याभिषेक की बात आई तो मेरा राज्याभिषेक, अरे भरत में क्या कमी है, आप भरत का राज्याभिषेक करा दीजिए, आप मेरा राज्याभिषेक में नहीं चाहता। जब सुना तो श्री वशिष्ठ जी बोले, राम ये तो तुम्हारा सील स्वभाव है, लेकिन देखो रघुकुल की यह रीति है, यह राजवंश की रीति है कि बड़े भाई का ही राज्याभिषेक होता है, भले ही एक दिन बड़े हो पर बड़े तो आप ही हो, इसलिए आपका ही राज्याभिषेक होगा। इधर भगवान ने जब सुना तो श्री भरत जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे कि भरत भी आ जाता तब कितना आनंद होता, कब का राज्याभिषेक है? बोले बस आज का दिन बीतने दो, कल के दिन ही राज्याभिषेक होना है। भगवान ने कहा ठीक है, क्या करना है? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा आज अपनी पत्नी के साथ जाकर के रंगनाथ भगवान का पूजन करके उनके मंदिर में ही आपको शयन करना है, आपके कुल देवता जो रंगनाथ भगवान हैं उनके मंदिर में ही शयन करिए। भगवान ने चरणों में प्रणाम किया। सीता जी ने जब सुना तो प्रसन्न हो गईं। इधर जाकर के सेवकों ने कौशल्या जी को बताया कि कल प्रातः काल श्री रघुनाथ जी का अयोध्या में राज्याभिषेक होने जा रहा है। सुन करके प्रसन्न हो करके जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु, देवताओं का पूजन करने लगी, ब्राह्मणों को माँ कौशल्या दान करने लगी। अब अयोध्या में तो आनंद उमंग आ गई, सारे के सारे प्रजाजन प्रसन्न होकर के घरों को सजाने लगे कि भैया कल से हमारे स्वामी श्री रघुनाथ जी महाराज हो जाएंगे, युवराज हो जाएंगे, अब तो हमारे खेवनहार रघुनाथ जी हो जाएंगे। दशरथ जी ने बड़ी कृपा की कि देखो उनको युवराज पद पर अभिषिक्त करने जा रहे हैं।
यहां उमंग है और उधर देवताओं के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। देवताओं ने कहा अगर कहीं युवराज बन गए, राजा बन गए, तब फिर हमारा काम कैसे बनेगा। तो जाकर के देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की, ऊंच निवास नीची कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। निवास तो ऊंचा है पर करतूत देखो कितनी नीच है। किसी के सुख में सुखी हो तो अच्छी बात है, पर किसी के सुख को देख करके आपका पेट दर्द करे तो भैया बहुत गंदी बात है कि नहीं है। और देवता होकर के इतने बड़े आपके मन में ये भाव आ रहा है। सरस्वती जी से कहा, माँ आप जाकर के कृपा करो। सरस्वती जी बोली ठीक है अब जैसी तुम्हारी इच्छा। श्री सरस्वती जी चली, सारे अयोध्या वासी मंगल तैयारी करने में लगे थे। सबको देखा मैं किसको क्या करूं, किसकी बुद्धि फेरूं, कहीं कोई दिख ही नहीं रहा है। तभी छत के ऊपर देखा एक कुब्जा वहां बैठी हुई थी, दासी है एक एक किसका नाम है मंथरा, सिर पे ऐसे हाथ धर के बैठी थी। बहुत से लोगों की आदत होती है ऐसे बैठने की, बड़ी गंदी आदत है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बैठी थी। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती थे। मंथरा ने देखा चारों तरफ दीप जल रहे हैं, लोग सुंदर सुंदर झालर लगा रहे हैं, सुंदर सुंदर पुष्पों का श्रृंगार हो रहा है घरों में, घरों को सजा रहे हैं, कोई कोई लोग रंगोली बना रहे हैं, मंगल कलशों को रखा जा रहा है। तो पूछा छत से ही खड़े खड़े पूछा एक जने से, ए सुनो सुनो क्या बात है, ये क्या ये सब कोई पर्व मनाने जा रहे हैं क्या। बोले कल तुम्हें नहीं पता। बोले नहीं। बोले कल राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। इतना सुना तो इसका शरीर भर गया, सीधे चल करके कैकेयी के पास गई। भरत माँ तुम पही गई बिलखानी, का अनमानी हसी कह रानी। जाकर के इतना बुरा मुंह बना लिया, एकदम दुखी सी धीरे धीरे सांस छोड़ती हुई गई और प्रणाम करके बैठ गई। हंस करके माता कैकेयी ने कहा, अरे मंथरा क्या हो गया, क्या किसी ने कुछ कह दिया क्या तेरे से। बोले कोई क्या कहेगा, सब ठीक है जो हो रहा है। अरे कुशल मंगल तो है कि नहीं है, ठीक तो है ना सब, तबीयत वबीयत तो नहीं खराब है तेरी। अरे कुछ दिक्कत हो तो बता, अभी राजवैद्य को बुलाते हैं, तू मेरी सबसे प्यारी दासी है, मेरे पिता ने तुझे मुझे दिया था और तब से आज तक तू मेरे साथ है, तो तेरे को तकलीफ हो तो मैं सहन नहीं कर सकती, सब कुशल मंगल तो है। जैसे ही पूछा कुशल मंगल है तो बोली, राम ही छाणी कुशल के ही आजू, जेही जनेऊ जेहू जने सुदेई जुबराजू। राम को छोड़ करके संसार में आज किसका मंगल है, किसका कुशल है, जिसको कल सुबेरे महाराज युवराज पद देने जा रहे हैं। अरे कुशलता पूछनी है तो जाकर के कौशल्या से पूछो, उसकी कितनी कुशलता है जिसने छल कपट करके बिना तुझे बताए और अपने पुत्र के लिए राज्याभिषेक मांग लिया महाराज दशरथ से, उन्हीं की कुशलता है। जैसे ही सुना कि राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, माता कैकेयी प्रसन्न हो गई और उसको देख करके बोली, अगर अब के बाद तूने कभी ऐसी बात करी ना तो समझ लेना कि तब धरी जीव कढ़ावू तो ही तेरी जीभ बाहर खिंचवा लूंगी मैं। अरे इतना सुंदर अवसर मिला है, राज्याभिषेक रघुनाथ जी का होने जा रहा है, अरे सारे के सारे प्रजाजन यही चाहते थे, ये तो बहुत अच्छा हुआ महाराज जी ने ऐसा काम कर दिया, और तेरे को तो मैं मंगल बधाई दूंगी। अपने गले का हार उतार करके उस मंथरा को पहनाने लगी, और जैसे ही पहनाया मंथरा ने हार को पहनने से पहले ही हाथ में रोक लिया और उठाकर धरती पर पटक दिया, मुझे नहीं पहनना तुम्हारा कोई हार। अरे को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाण अब हो बुकी रानी। कोई राजा बने कोई रानी बने,
अरे हमें कौन सा राज्याभिषेक होने के बाद हमें रानी बना दिया जाएगा, हम तो तब भी दासी की दासी रहेंगी। लेकिन हे कैकेयी, मैं तेरा अमंगल कभी नहीं देख सकती, मेरे अंदर एक ही कमी है कि मैं तुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती हूँ। इसलिए मैं जारे जोग सुभाव हमारा, अनभल देख ही न जाए तुम्हारा, मैं तेरा अनभल नहीं देख सकती, तेरा कष्ट मुझे दिख नहीं रहा है। जब ऐसे वचन सुने, कितनी बुद्धि काम करेगी, कोई अपना बहुत प्रेमी व्यक्ति ऐसी बातें करे तो कितनी देर आदमी धैर्य धरेगा। माता कैकेयी की बुद्धि भी सुर माया बस बैरिनी ही सुहद जान पतियानी, अपना सर्वस्व यही मेरी हितैषी है, ऐसा सुन करके उस मंथरा से बोली, अरे क्या बात है, तू क्या देख रही है मेरा अपजस, तू कह करके बता और मैं कैसे बचूं। जब ऐसे कहा तो प्रसन्न हो गई और गोस्वामी जी कहते हैं, सज प्रतीत बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ी साती तब बोली। अब मंथरा नहीं बोल रही है, अब अयोध्या की साढ़े साती बोलना प्रारंभ कर रही है। बोले बस आज का समय है अपने पास में, कल का समय नहीं है, कल का हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देख चतुर राम की महतारी को, राम की माँ बंती बड़ी सीधी है, वो कौशल्या हर काम में तुझे आगे कर करके तेरे सामने बड़ी सीधी बनी रहती है। लोग कहते हैं कौशल्या जैसा सीधा कोई नहीं, आज उसकी दुष्टता तू देख रही है। आज भरत को ननिहाल भेज करके, इस समय भरत जी यहां नहीं थे, भरत जी ननिहाल गए थे, कई देश गए हुए थे। बोले भरत को ननिहाल भेज दिया और बिना तुझे बताए धीरे से महाराज दशरथ के कान भर भर के अपने पुत्र के लिए, देख इसने राज्याभिषेक युवराज पद को सुरक्षित करवा लिया, राज्य पद को सुरक्षित करवा लिया। इस संसार में हे कैकेयी कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं, समय परायों को अपना कर देता है और अपनों को पराया कर देता है। धन संपत्ति ऐसी वस्तु होती है जिसके लिए कितने कितने घरों में हमने देखा दरारें खिंच जाती हैं, भाई भाई का सिर फोड़ देता है। अयोध्या की इतनी बड़ी संपत्ति, अरे हे कैकेयी मैं तो तेरे राज्य में दो रोटी खाती हूँ, तेरे उतरे हुए कपड़ों को मैं पहन के अपना जीवन यापन करती हूँ, तो मेरा इतना तो दायित्व तो बनता है ना कि तेरे हित की बात मैं तुझे बता सकूं। सोच कि कद्रु और बनिता दोनों बहन थी कि नहीं थी, लेकिन कितना एक कद्रु ने बनिता को कष्ट दिया, ये बहन थी ना। कैकेयी बोली हाँ बात तो सही कह रही हो। बोले फिर भी देखो छल करके कद्रु ने बनिता को बंदी बनवा लिया कि नहीं बनवा लिया। ऐसे ही जैसे ही राम का राज्याभिषेक होगा, आज मैं तेरी दासी बन के यहाँ काम करती हूँ, कल को तू इस महल को छोड़ करके कौशल्या के यहाँ दासी बन के काम करेगी, और जब भरत यहाँ लौट के आएगा तो राम उसको बंदी गृह में बंद कर देगा। अरे भरत को भी तो सारी की सारी प्रजा चाहती है और राम से ज्यादा भरत को प्रजा चाहती है, लेकिन जब राम राज्याभिषेक में, जब राम का युवराज पद पर अभिषेक हो जाएगा तो क्या चाहेगा कि भरत के पक्ष वाले कुछ बोलें? तो भरत के बोलने वालों से पहले भरत को बंदी बना करके मैं पटक, राम जो है कारागृह में पटक देगा। अरे यहाँ सगे भाई एक दूसरे के नहीं होते, यहाँ तो वो दूसरी माता के पेट से जन्मा हुआ है, वो अपने भाई का क्या सगा होगा। इसलिए तू अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे दुलारे भरत के लिए तो कुछ कर। जब सुना तो कैकेयी बोली, अरे मंथरा तेरी बात सुन के मुझे बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है, मेरा मन रोज उस दिनों से विचलित होके कांपता था, रात में मैं सोती थी तो मुझे बड़े भयानक भयानक स्वप्न आते थे, लेकिन मैं कभी बोली नहीं, मैंने कहा कि हो सकता है नींद ढंग से नहीं आ रही, इसके लिए होता हो, कुछ बीमारी लग रही हो। मैं नित्य भगवान का चरणामृत लेके सोती थी कि चलो आज तो बुरा स्वप्न नहीं आए, तब भी बुरा स्वप्न आता था, आज पता चला कि बुरा स्वप्न क्यों आता था। अब देख तू ही मुझे बता सकती है कि मैं क्या करूं कि मेरा और मेरे भरत का मंगल हो सके। तब प्रसन्न होकर के मंथरा ने गुरु मंत्र दिया, दुई बरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती। आज
जब महाराज दशरथ तेरे सामने आए तो उनसे पहले शपथ रखवा लेना कि राम के सिर की शपथ खाओ कि जो मांगूंगी मैं आपसे वो आप मुझे दोगे। और देवासुर संग्राम के समय जब तूने इनके प्राणों की रक्षा की थी तब इन्होंने तुझे दो वरदान दिए थे, याद आया कैकेयी? कैकेयी माँ बोली हाँ हाँ हाँ, दो वरदान तो दिए थे, तूने आज तक नहीं मांगा। बोले कभी नहीं मांगा। बोले अब बस यही सबसे उत्तम समय है उस वरदान को मांगने का। अब जब दशरथ जी शपथ खा लें कि मैं राम की शपथ खाता हूं तू जो मांगेगी मैं दूंगा, तब अपने दो वरदानों को मांगना। क्या क्या मांगना? सुत ही राज राम ही वनवासु, मेरे पुत्र को राजा बनाओ भरत को और राम को वनवास भेज दो। जब वनवास भेज दो सुना तो भले ही मति भ्रमित हो रही थी माँ कैकेयी की, लेकिन वात्सल्य तो कहीं नहीं गया ना, वात्सल्य उमड़ पड़ा और बोली मंथरा ऐसा मत कहे, राम को भी यहीं पड़ा रहने देंगे ना एक जगह पर, उसने भले ही मेरे लिए बुरा सोचा हो, उसकी माँ ने बुरा सोचा हो, लेकिन मैं उसके लिए ऐसा नहीं सोच सकती। अरे बेचारा कितना सुकोमल है, कहाँ वन में भटकेगा, अयोध्या में ही कहीं पड़ा रहेगा एक छोटे से महल में। जब सुना तो मंथरा बोली बस खबरदार, ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, अगर भरत का राज्याभिषेक होगा और राम यहीं रहेगा तो राम सारी प्रजा को भरत के विरुद्ध भड़का देगा, तब तेरा पुत्र राजा नहीं रह जाएगा, इसलिए राम को वन में भेजना बहुत जरूरी है, जितना कहा है उतना मान। इतना कहकर के मंथरा यहां से चली। कैकेयी ने इसको अपने हृदय से लगा लिया, आज अगर तुम ना होती तो मेरा तो सब कुछ लुट जाता, हे मंथरा तुम्हारे इस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकती। मंथरा बड़ी प्रसन्न हो गई, टेढ़ी टेढ़ी चल करके अपने भवन को गई। इधर श्री कैकेयी माता ने अमंगल वेश बना लिया, सारे आभूषणों को उतार करके पटक दिया और बहुविधि चेरी आदरु देही कोप भवन गवनी कैके, खूब आदर सम्मान से विदा किया और कोप भवन में जाकर के प्रवेश कर गई। इधर अयोध्या में जब पता चला राम जी का राज्याभिषेक है तो भगवान के जो सखा थे वो सब मिलने के लिए आने लगे, भगवान खूब प्रेम से उनसे वार्तालाप करें, जो जो भेंट भगवान दे सकते थे उनको भेंट भी दे दे करके विदा करें। राम जी के सील का स्नेह का जय जयकार करते हुए उनकी सराहना करते हुए ये सब अपने अपने भवनों को गए। इधर महाराज को बड़ी जल्दी पड़ी थी अपने भवन जाने की, बोले क्यों? मेरी सबसे प्रिय पत्नी है कैकेयी और अपनी तीनों रानियों में सबसे पहले मैं कैकेयी को जाकर के बताऊंगा कि आज राम का राज्याभिषेक होना है, मैंने राम को राजा बनाने के लिए, राम को युवराज बनाने के लिए तैयारी प्रारंभ की है, कैकेयी का कितना प्रेम है राम में, मुझे हृदय से लगा लेगी, मेरा बारंबार मेरी बलिहारी लेगी, आज तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मन में ऐसे विचार को लेते हुए महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में प्रवेश कर गए और जैसे ही गए वहां पे कैकेयी को नहीं देखा तो जो वहां पर सेवक थे उनसे पूछा कि महारानी कहाँ हैं? कहा महाराज महारानी तो कोप भवन में चली गई है। जब सुना तो दशरथ जी थोड़ा संकोच में पड़ गए, बोले क्या बात है, क्या किसी ने कुछ कह दिया? कहा महाराज पता नहीं, अभी अभी हमने देखा सारा अपना सौभाग्य सूचक आभूषण आदि को उतार के उन्होंने पटक दिया और बड़ी तेज पैरों को पटकती हुई कोप भवन में जा रही थी, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ी, हम पूछे महारानी से क्या हुआ, आप ही जाके देखो। जाई निकट नप कह मैं दुबानी प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। दशरथ जी महाराज चल करके गए और जाकर के उन्हें क्या पता कि मन में क्या चल रहा है, तो बड़े प्रेम से जाकर के कैकेयी के बगल में बैठ गए, कंधे पे हाथ रखा, धीरे से कहा अरे प्राण प्रिया, हे प्राण प्रिय क्या बात है, कैसे नाराज हो रही हो, क्या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, एक बार तुम मुझे कहो किसको राजा, किस राजा को रंक बनाना है और किस रंक को राजा बनाना है, तुम एक बार इशारा तो करो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, अरे तुम कहो तो सूर्य चंद्रमा भी मैं तुम्हारे चरणों में ला करके नौछावर कर दूं, पर देखो बहुत सुंदर इस समय समय उपस्थित हुआ है, इसलिए
तुम अब इस तरह से अमंगल वेश बना करके ऐसे आप मत बैठो। क्या बात है, बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, देखो कैके ही अब मेरा हृदय कांप रहा है, इतना देर आपको नाराज होते मैं सहन नहीं कर पा रहा। आप बोलो तो सही, क्या करना है? क्या अपने प्राणों को आपके चरणों में न्योछावर करना है? मैं एक क्षण में अपने प्राणों को तुम्हारे चरणों में न्योछावर कर दूं। पर बोलोगी तब तो पता चलेगा। जब देखा केकई ने, हाँ अब ये बस में आ गए हैं, अब तो इनको अपने इशारे पे नचाया जा सकता है। तब केकई के मुख से हंसते हुए वाणी निकली। हंसते हुए केकई ने कहा, मागु मागु पे कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहेउ बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। आप बार बार कहते तो थे दो वरदान ले लेना, दो वरदान ले लेना, पर आज तक दिया नहीं मुझे कभी। अब तो मुझे संदेह हो रहा है कि मेरा वरदान मुझे दोगे भी कि नहीं दोगे। अभी तो बोल रहे हो मैं प्राण दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे जो करना है वो तो आज तक नहीं किया। अब इतना सुना तो श्री दशरथ जी महाराज हंसे, बोले अरे हमारा तो प्राण सूख गया। हमने कहा क्या बात हो गई, इतना नाराज बैठी हो, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अरे दो वरदान है, अरे तुम चार वरदान मांगो। कैकेयी ने कहा, खबरदार झूठ पे झूठ तो बोलना नहीं मेरे से, चार ले लो, दो दिए नहीं जाते, चार ले लो। अच्छा आज तुम मांग लो, मैं दे दूंगा। आप दे दोगे ना, आज तो संशय नहीं रखोगे? नहीं रखूंगा, मांगो तो सही। कहा मैं वरदान मांगूंगी लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? आप राम के सिर की शपथ खाइए कि जो मैं मांगूंगी आप मुझे बिना मना किए चुपचाप प्रदान करेंगे। सुनते ही तो दशरथ जी का हृदय कांप गया। बोले क्या तुमको ये नहीं पता कि हम रघुवंशियों का यह स्वभाव है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाते, और उस पर तुम राम की शपथ खाने को कह रही हो। कैकेयी ने कहा, फिर जब देने का ही मन है तो शपथ खाने में क्या बुरा जा रहा है? अगर मन में चोर है तभी तो शपथ नहीं खा रहे हो आप। तो बोले ठीक है, मैं मेरे राम की शपथ खा के कहता हूं, आज तू जो मांगेगी मैं तुझे प्रदान करूंगा। इतना जैसे ही कहा, कैकेयी ने बिना विचार किए जो मंथरा समझा करके गई थी वह दो वरदानों में पहला वरदान मांगा। श्री दशरथ जी से कैकेयी कहती हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही गीता, देहु एक बर भरत ही गीता। हे मेरे प्राण प्रिय, आपसे अब मैं पहला वचन मांगती हूं, मेरे पुत्र भरत का कल राज्याभिषेक होगा। कल होने वाला जो राज्याभिषेक है, युवराज पद का जो अभिषेक है, वह राम का नहीं होगा, वह मेरे पुत्र भरत का होगा। मेरा पहला वरदान आपसे यही है। दशरथ जी ने सुना तो हृदय कांप गया। बोले आज मैंने सारी सभा में, सभा के मध्य में खड़े होकर के उद्घोषणा की है, चारों तरफ तैयारियां चल रही हैं, और तूने मुझे झूठा बना दिया। बोले महाराज शपथ खाई है, ध्यान रखना। बोले ठीक है, मेरे लिए तो राम और भरत दोनों मेरी आंख की दो पुतलियां हैं, तो ठीक है तू अगर भरत को कहती है तो मैं भरत को ही राज्य दूंगा, भरत का टीका होगा। प्रभो मैं अपना दूसरा वचन कहूं? दशरथ जी बोले हाँ उसको भी कह लो। अब जब दूसरा वचन कहा तो सुनते ही तुम्हारा दशरथ भूमि पर धम्म से गिर पड़े। श्री दशरथ जी से वचन कहते हुए माता कैकेयी कहती हैं, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश
तापस वेश विशेष उदासी तापस चौदह बरिस राम वनवासी चौदह बरस राम वनवासी। हे नाथ, मैं दूसरा मनोरथ अपना कहती हूँ। पहला मनोरथ है मेरा पुत्र भरत राज्य का उत्तराधिकारी हो, और दूसरा मेरा वरदान है कल प्रातः काल होते ही राम 14 वर्ष के लिए घोर जंगल में चला जाए। सुनते ही महाराज छाती पीटते हुए धम्म से धरती पर गिर पड़े। माथे हाथ मूंदि दो लोचन अपने हाथों से दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। फकफका करके रो पड़े। जोर जोर से रोते हुए बोले, अरे कैकेयी, ये क्या मांग लिया तूने? क्यों सवरते हुए बसते हुए अवध को उजाड़ने पर तुली है? राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे जिस राम को शत्रु भी कभी अपना शत्रु नहीं मानते। कहु तजी रोस राम अपराधु सब को कही राम सुठ साधु। संसार में सब राम को साधु कहते हैं, और उस राम ने तेरा क्या बिगाड़ दिया जो इतना कठोर तू दंड दे रही है उसे? अरे राम ने क्या बिगाड़ा फूल सा कोमल मेरा पुत्र? अरे जिसको तू सदा हृदय से लगा करके रखती थी, उस राम ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया तेरा? अरे जिसका स्वभाव जासु स्वभाव अरि ही अनुकूला, जिनका स्वभाव शत्रुओं के भी अनुकूल होता है, सो किमी करी ही माँ की प्रतिकूला। वह राम क्या अपनी माँ के प्रतिकूल हो सकता है कभी? क्या मेरा कोई पाप है जिसके कारण तू राम को वन भेज रही है? तू मुझे दंड दे ले। देख, मैं भरत का राज्य स्वीकार करता हूँ। मैं तेरे पैरों में अपने सिर को रख करके प्रार्थना करता हूँ कि राम को वन मत भेज। जब सुना तो क्रोध में भर करके कैकेयी बोली, राम साधु तुम साधु सयाने, राम माँ तुम्हें भली पहचाने। अरे तुम साधु और तुम्हारा राम भी साधु, और कैकेयी कौशल्या भी साधु, मैं तुम तीनों साधुओं को अच्छे से जानती हूँ। मेरे पुत्र को ननिहाल भेज करके वो ननिहाल गया तो उस धूर्त कौशल्या ने आपको जाके भड़काया, और आपने राम का राज्य भी स्वीकार कर लिया, युवराज पद देने को स्वीकार कर लिया। एक बार भी आपने मुझसे नहीं कहा। अब जिसने जो किया है वह उसको भरने के लिए तैयार रहे। कल प्रातः काल यदि राम वन को नहीं गया और मेरे पुत्र को बुला करके आपने युवराज पद पर उसका अभिषेक नहीं किया, तो महाराज मैं प्रातः काल अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, और जो चिल्लाते घूमते हो ना, प्राण जाए पर बचन न जाई, उस रघुवंश की विमल पताका पर आप कलंक लगा करके जाओगे। जब मर करके उस लोक में जाओगे ना, तो वहां जाकर के अपने पूर्वजों को अपना मुख मत दिखाना, कलंक लेकर के तुम ऊपर जाओगे। कहकर के कहकर शांत हो गई। जैसे ही सुना महाराज दशरथ विलाप करने लगे, भूमि पर गिर गए। बचन कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोल नहीं पाए, कंठ सूख गया, नेत्र शिथिल होने लगे, कुछ भी बोल नहीं पा रहे। पुनः अपने को संभाल करके बोले, देख राम ने कभी तेरा कुछ प्रतिकूल आज तेरे साथ व्यवहार नहीं किया। तू ठीक है, नाराज है किसी बात से, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कम से कम एक बार अपने पति के ऊपर तो दया कर। तू एक बार कहती मैं अपने मस्तक को काट के तेरे चरणों में चढ़ा देता, लेकिन हे कैकेयी, राम को वनवास में नहीं भेज पाऊंगा। भले ही नरक में जाकर के मैं यातना सहन कर लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, लेकिन राम को मैं बन जाने के लिए कहूँ ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। राम राम रट बिकल भुआलू जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू। राम 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 कहते हुए महाराज दशरथ शांत होकर के जमीन पर ही पड़े रहे। जैसे बिना पंख के पक्षी तड़प करके धरती पर गिर जाता है, ऐसे महाराज दशरथ पड़ गए। आज ये रात्रि तो काल रात्रि के समान अयोध्या में आ गई। ये रात्रि सामान्य रात्रि नहीं, आज तो काल रात्रि ही साक्षात चली आई है। सोचते हुए महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर गए। प्रातः काल का समय हुआ, सुमंत्र जी महाराज जगाने के लिए आए। आकर के देखा
तो माता केकई तो बैठी हैं और महाराज दशरथ जमीन पर ही पड़े हैं, कोई चटाई नहीं, कोई कोई बिछाने के लिए सुंदर बिछोना नहीं। महाराज दशरथ, राजाधिराज महाराज दशरथ, और कहाँ पड़े हैं? भूमि के ऊपर विकल होकर के पड़े हैं। जाकर के पूछा, क्या हुआ महारानी? महाराज की तबीयत तो ठीक है। कहा, तबीयत सब ठीक है, तुम जाकर के राम को बुला करके लाओ, वही इनको ठीक कर सकता है। सुमंत्र जी चल करके गए और श्री रघुवंश शिरोमणि रघुनाथ जी को जाकर के जगाया। राम जी ने प्रणाम किया, कहा क्या बात है? बोले, आपको माता कैकेयी के भवन में चलना है, आपके पिताजी ने आपको बुलाया है। राम जी तुरंत तैयार होकर के चले और आकर के माँ कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। निरखी बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलो निवाई। लेकर के आए, प्रणाम करके राम जी ने पूछा, माँ क्या बात है, आज पिताजी इतने उदास हैं, क्या कोई संकट है, क्या कोई बात है, आप कृपा करके मुझे बताओ। उस पुत्र का रहना निरर्थक है जिसके रहते पिता के मन में कोई क्लेश आ जाए। पिता माँ के नेत्रों से आंसू बहे तो ऐसे पुत्र के ना होना ही ज्यादा अच्छा था। आप आज्ञा तो करो, आप बताओ तो सही, बात क्या है? तो प्रसन्न हो गई। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। निठुराई धर ली, बोलते समय लज्जा नहीं आई, बोलते समय बिल्कुल कोई भय नहीं हुआ कैकेयी माँ को, और सारी बात बताई कि क्या क्या बात है। जब सुना तो रघुनाथ जी प्रसन्न हो गए। राम जी बोले, माँ अरे इससे बढ़कर के क्यों क्या सौभाग्य होगा कि अपने माता पिता के काम आज मैं आ रहा हूँ, आज ये शरीर माता पिता की सेवा में लग रहा है, इससे बढ़कर के क्या होगा। अपने पिताजी के पास जाकर के रघुनाथ जी ने उनको अपनी गोद में उठा लिया। धीरे धीरे उनके सिर के ऊपर अपना हाथ फेरने लगे। गई मुरछा राम ही सुमिर, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। महाराज दशरथ के सिर पर हाथ फेरने लगे रघुनाथ जी, और उसी समय उनकी मूर्छा टूट गई। जैसी मूर्छा गई, करवट लेकर के देखा सुमंत्र जी खड़े हैं। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज देखिए रघुनाथ जी आ गए। जैसे ही सुना रघुनाथ जी आ गए, कहाँ है राम? अरे आप उनकी गोद में ही हैं। जब देखा ऊपर, अरे राम, जोर जोर से दशरथ जी रोने लगे। भगवान ने नेत्रों को अपने हाथों से आंसुओं को पोंछा, मुख पर हाथ रख दिया। पिताजी क्या करते हैं? अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, 14 वर्ष के लिए माता ने कितनी बड़ी मेरे पर कृपा की है, मैं जाके जंगल में भजन करूंगा, ऋषि महात्माओं का सत्संग करूंगा, आप क्यों दुखी हो रहे हैं पिताजी? और मैं तो देखो, मैं सच बताता हूँ माँ, आप गुरुदेव को बुला करके पूछ लेना। जब कल गुरुदेव वशिष्ठ ने मुझे बताया कि मेरा राज्याभिषेक होना है, तो मैंने सबसे पहले उनसे यही कहा कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे, चारों का विवाह एक साथ हुआ, तो भरत का राज्याभिषेक क्यों नहीं होगा, मैंने कहा था। तो मेरे लिए तो प्रसन्नता है, हे पिताजी आप इतनी सी बात में कष्ट मत करिए। चारी पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। उस व्यक्ति के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ हाथ में हैं, जो अपने माता पिता की सेवा करता है। आप विचार करो, बड़े बड़े राक्षस क्या मांगते थे ब्रह्मा जी से, कि हमें जब हम चाहें तब मृत्यु मिले, नहीं जब तक हम नहीं चाहें हमें कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कभी नहीं दिया किसी को। और वहीं भीष्म जी के पिता, जब उन्होंने संकल्प किया कि मैं आजीवन कुमारा रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, तो उनके पिता ने वरदान दिया कि हे पुत्र, आज मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब तक तू नहीं चाहेगा, मृत्यु तेरा स्पर्श भी नहीं करेगी। माता पिता से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा देवता नहीं है। माता पिता घर में बैठ के रो रहे हैं, हम जा रहे हैं वृंदावन में भंडारा करा रहे हैं। माँ बाप को रोटी नहीं दी जा रही है घर में, उनको आंख तरेर के बात करते हैं, और वृंदावन मथुरा में जाकर के महात्मा बनते हैं। आप समझो जितना करा ना वो सब पानी में गया, इतना भी फल मिलने वाला नहीं है उसका। घर में माता पिता की सेवा कर ली,
समझो वृंदावन से लेकर के अयोध्या सारे तीर्थ हो गए, और घर में माता पिता रोते बैठे हैं, हम तीर्थों में दान भंडारा कर रहे हैं, भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं। राम जी बोले, माता पिता की सेवा जो करता है, चारों पदार्थ उसके हाथ में रहते हैं, आप चिंता मत करिए, मैं अभी तैयारी करता हूं। अस कही राम गमनु तब कीन्हा, अस कही राम गमनु तब कीन्हा, अस कही राम गमनु तब कीन्हा, अस कही भूप शोक बस उतरु न दीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। राम जी जब ऐसा कहने लगे, दशरथ जी महाराज का मुख शांत हो गया, कंठ से शब्द नहीं निकल पा रहे थे, इतना शोक में संतप्त हो गए कि राम जी को एक शब्द नहीं कह पाए राजा दशरथ। और उसी समय यह जंगल की आग की तरह सूचना सारे के सारे अयोध्या में पहुंच गई कि जिनके राज्याभिषेक के लिए हम लोग तैयारी करते बैठे थे, पलके बिछाए बैठे थे, अब अयोध्या का तो नहीं, अब कानन का, जंगल का उनका राज्याभिषेक आज होगा, आज वो जंगल को जाएंगे। छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, ऐसा लगा जैसे बिच्छू ने आकर के एक नहीं हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। अयोध्यावासी हाहाकार करते हुए रुदन करने लगे, बोले काहन पाव कुजारी सक, कान समुद्र समाई, कान करे अवला प्रबल, के ही जग कालू न खाय। संसार में आग क्या नहीं जला सकती, अरे समुद्र में क्या नहीं डूब सकता भैया, संसार में अबला क्या नहीं कर सकती, आज दिख गया, आज तो सारे के सारे अयोध्या का प्राण ले लिया इस कैकेयी ने। एक ने कहा, एक विधात ही दूसन देही, सुधा दिखाई दीन विष जेही। अरे विधाता ने तो आज हम अयोध्या वासियों को ठग लिया, अमृत दिखा करके विष का कलश हमारे सामने धर दिया। अरे अमृत की भी कामना नहीं थी तब भी ठीक था, लेकिन बोले अमृत देंगे अमृत देंगे, और अमृत की जगह पर विष का कलश धरते विधाता को लाज नहीं आई। राम जी के शील की सराहना करते हुए, राम जी के शील स्वभाव को याद करते हुए, अति विषाद बस लोग लुगाई, अति विषाद में भर करके राम जी के भवन की ओर चलने लगे। इधर भगवान श्री रामचंद्र माता कौशल्या के भवन चल करके आए। माता ने जब राम जी को आया देखा तो माँ तो प्रसन्न हो गई, हा हा हा, अरे राम आज तो तेरा राज्याभिषेक है, तू लगता है पहले मुझे प्रणाम करने यहाँ आया है, आजा आजा, मेरे लाला का सदा मंगल हो, मेरा बेटा सदा सुखी रहे, खूब अच्छे से प्रजा का पालन करना, खूब प्रेम से सबका ध्यान रखना, और देख तू जब राजा हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि मेरे भवन आना बंद कर दे, ये सब नहीं करना, जैसे आज आता है ना ऐसे ही भाग भाग के आना। माता कौशल्या कह ही रही थी तब तक भगवान रामचंद्र ने कहा, मैया राज्याभिषेक तो हो रहा है लेकिन कहाँ का हो रहा है ये तो जान जाओ। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति। मैया अब अयोध्या का तो नहीं लेकिन पिताजी ने मुझे जंगल का, कानन कहते हैं जंगल को, जंगल का राजा युवराज घोषित कर दिया है, अब मैं बस अपने राज्य में जाने के लिए आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, मैं अपने राज्य में जाऊँ, अच्छे से अपने राज्य का सुख भोगूं, आप मुझे यही आशीर्वाद देना। नयन सजल तन थर थर कांपी, माज ही खाय मीन जनु मापी। गोस्वामी जी कहते हैं जब भगवान के मुख से सुना, थर 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 माता का शरीर कांप गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे, माज ही खाई मीन जलु मापी।
कहते हैं पहली बरसात में जो झाग उत्पन्न होता है, कभी मछली उसको खा ले तो तड़प करके बेहोश हो जाती है। ऐसी अवस्था माँ कौशल्या की हो गई। भगवान ने उनको समझाया, कहा तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। जिन पिता को तुम अपने प्राणों से ज्यादा प्यारे थे, उन्होंने तुम्हें बिना किसी पाप के, बिना किसी अपराध के जंगल क्यों भेज दिया? क्या राम तुमसे कोई अपराध बना? राम जी ने सारी की सारी बात बताई। कहा माँ, माँ कैकेयी ने पिताजी से वरदान मांगा है, और पहला वरदान है भरत को टीका और दूसरा मेरे लिए वन का। तो अब माँ की आज्ञा है, पिताजी का सत्य वचन है। माँ आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए मुझे जंगल जाना पड़ रहा है। ये है राम राज्य की परिकल्पना। लोग कहते हैं राम राज्य नहीं चाहिए, ये राम राज्य है। पिता का वचन पूरा करने के लिए आज अभी सुबेरे राज्याभिषेक होना है, और कोई छोटी मोटी जगह का कमरे का नहीं होना है, अयोध्या जैसे महानगर का होना है। आज रात में कोई बोले कि कल सुबेरे कलेक्टर बनाएंगे और जेल ले जाए पकड़ के, तो हार्ट अटैक आए मर जाए आदमी। और राम जी जैसे उस समय प्रसन्न थे, आज वैसे ही प्रसन्न है, कोई विषाद मुख में नहीं आया। आज पिता का वचन पूरा करने के लिए भगवान वन जाने को तैयार हैं, और यहाँ पिता का वचन पूरा करने के लिए लोग पिता को ही वन भेजने को तैयार रहते हैं। हम काहे को जाए, तुम जाओ। जब तक राम राज्य नहीं आएगा तब तक ये परिकल्पना कभी जीवित नहीं हो सकती, कभी दिख नहीं सकती, कोई सोच नहीं सकता। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, माँ पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए, उनके सत्य वचन को सत्य करने के लिए मुझे जाना है। जब माँ ने सुना, जो पितु मातु कहे उबन जाना, जो पितु कहे उबन जाना, जो भी तुम्हारा कहे उबन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर पिता ने कहा होता तो राम मैं तेरी माँ हूँ, मैं मना कर देती, लेकिन जब माँ ने भी कहा, पिता ने भी कहा, तो हे राम तेरे लिए वह वन जो है ना, वो करोड़ों करोड़ों अयोध्या के समान प्राप्त होगा। और चिंता मत करना, पितु बन देव, वन देव ही तेरे पिता बन करके तेरी रक्षा करेंगे। माँ तू बन देवी, माता तेरी, वहाँ मैं तो नहीं रहूँगी, वहाँ वन देवी ही तेरी माँ बन के तेरी रक्षा करेंगी। खग मृग चरण सरोरुह सेवी, जंगल में रहने वाले जो खग हैं मृग हैं, यही तेरे चरणों की सेवा करने वाले तेरे सेवक होंगे। हे राम तू बड़ा बड़भागी है जो पिता के वचन को पालन करने के लिए बिना किसी कष्ट के, बिना किसी भय के जंगल जाने को तैयार है। हे बेटा मैं तुझे बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, मेरे जीवन का सारा सुकृत तुझे प्राप्त हो जाए। कभी वन में जाते समय मैं अपने देवताओं से प्रार्थना करूंगी, अगर इस कौशल्या ने जीवन में कभी धर्म का आचरण किया हो, विचार किया हो, तो मेरे राम के पग में एक कांटा तक ना गढ़े, मैं तेरे लिए मंगल मनाऊंगी बेटा, कह करके भगवान राम को विदा करने लगी। और जब भगवान विदा होने लगे तो माता मूर्छित होकर धम्म से गिर गई। भगवान ने धीरे से माँ को उठाया, उठा करके मूर्छित माँ को अपने होश में भगवान लेके आए। कहा माँ अगर ऐसे विदा करूंगी तो फिर मैं कैसे अपने जंगल के राज्य में जाऊंगा, आप तो मुस्कुरा करके मुझे भेजो। भगवान को अपने हृदय से लिपटा लिया, फूट फूट करके माँ कौशल्या रोने लगी। राम तेरी तरह मेरा दिल, मेरा हृदय पत्थर का नहीं है, मैं तुझे वन भेजूं और मुस्कुरा करके, ये इस कौशल्या से नहीं हो सकता। जा तू जा, अब जितनी देर तू खड़ा रहेगा मेरा हृदय कांपता रहेगा। भगवान ने प्रणाम किया और चले। समाचार ते ही समय सुनी, सीय उठी अकुलाई, जाई सासुपद कमल जुग बंदी बैठी सिरुना। सीता जी को पता चला राम जी का वन गमन निश्चित है, दौड़ पड़ी, अकुला गई सीता जी,
दौड़ती हुई आई, कहाँ है राम, कहाँ है मेरे स्वामी। कहा माँ के भवन में है। दौड़ती हुई गई, राम जी साष्टांग करके उठी रहे थे। तब तक तो भगवान श्री रामचंद्र ने देखा सीता जी खड़ी हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। माँ को प्रणाम करके बोली, माँ मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैं आपके चरणों की सेवा नहीं कर पाई, अब आशीर्वाद दो, 14 वर्ष बाद जब लौट करके आऊं तो आपके चरणों की सेवा मैं कर सकूं। जब सुना तो माँ कौशल्या थर थर कांप गई। अरे सीता क्या कहती है, हे जानकी ऐसे वचन मत बोल बेटी, तेरे लिए जंगल नहीं है। अरे चित्र बना हुआ रहे, चित्र में बने हुए बंदर को देख करके जो डर जाती हो, जंगल में जाकर के कैसे रहेगी। तुझे नहीं जाना है, तुझे नहीं जाना है। राम जी ने देखा, कहा देखो सीता यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद सेवा, सास ससुर के चरणों की सेवा करते रहना यही स्त्री का परम धर्म है। यहीं रह करके अपनी सास की सेवा करो, अपने ससुर जी की सेवा करो। अरे जंगल में बड़े बड़े भालू सिंह आदि होते हैं, राक्षस होते हैं, वहाँ सोने के लिए कोई चारपाई थोड़ी है, कोई पलंग थोड़ी है, वहाँ तो जमीन पर सोना है। वहाँ सांप निकल आएंगे, कांतर निकल आएगी, बिच्छू निकल आएगा, वहाँ कहाँ रहोगी तुम। देखो कुछ दिन यहाँ रहना, जब मन नहीं लगे तो अपने अपने पिता के यहाँ चली जाना। श्री सीता जी ने सुना तो गोस्वामी जी तो इस बात को नहीं कहते, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, माता सीता ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, सीता जी ने कहा प्रभु आप मुझे अपने साथ लेकर के चलो, नहीं तो मेरे पिता को बहुत कष्ट होगा। मेरे पिता को यह प्रतीत होगा कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसी स्त्री के साथ कर दिया है। उनको यह विश्वास हो जाएगा कि राम पुरुष रूप में एक स्त्री है, तभी तो अपनी पत्नी को छोड़ करके गया, लेकर के नहीं गया। महाराज आपके साथ में चलूंगी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सीता जी भगवान से नेत्रों से अश्रु बहाते हुए हाथ जोड़ करके कहने लगी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल विधु बदन निहारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। हे नाथ मेरे लिए सारा सुख आपके साथ में है, आप वन में हो, वन में मुझे अयोध्या है, और आप अगर यहाँ छोड़ के जाओ तो ये अयोध्या भी मेरे लिए वन से कम नहीं है, मैं आपके साथ रहूंगी। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंति कुशकंटकाम, क्या करूंगी आगे आगे चलूंगी, आपके चरण बहुत सुकोमल हैं, उन चरणों में कोई कंटक नहीं लग जाए तो पहले से झाड़ू लेकर के बुखारती हुई आगे आगे आपके मैं चलूंगी, आप बन जाओ और मैं यहाँ रह करके जीवन व्यतीत करूँ, इस जन्म में तो संभव नहीं है, आप कृपा करिए और आप मुझे लेकर के चलिए, नहीं तो मैं आपके विरह में एक क्षण जीवित नहीं रह पाऊंगी। जब सुना तो रघुनाथ जी बोले, ठीक है सीता तो मेरे साथ में चलो। जैसे ही रघुनाथ जी ने सीता जी से कहा तुम चलो, श्री कौशल्या माता हाय 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 करके जोर जोर से रोने लगी। भगवान ने संभाला। तब जानकी सासु पग लागी, सुनी अमाय में परम अभागी, मैं बड़ी अभागन हूं जो आपके चरणों की सेवा नहीं कर पाई, अब जब मैं आऊंगी 14 वर्ष बाद तब आपके चरणों की सेवा करूंगी। सुन सिय बचन सास अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। सीता जी के इन वचनों को सुनकर के कौशल्या माँ कांपने लगी। उनकी उस दशा को गोस्वामी जी कहते हैं, मैं किस मुख से बखान करूं, उस दशा को कोई बखान कर नहीं सकता। बार ही बार लाई उरलीनी, धीर धर धीर जो सिख आशीष दीनी, बार बार सीता जी को हृदय से लगा करके धैर्य धारण करने लगी। सीता जी को जानती हैं ये जो प्रण कर चुकी हैं उससे टरने वाली नहीं है, जाएंगी ही। मैं तुझे खूब आशीर्वाद देती हूँ, खूब आशीर्वाद देती हूँ बेटी,
सदा तेरा सौभाग्य बना रहे और कभी तुझे कोई कष्ट ना मिले। अचल हो वही बात तुम्हारा जब लगी गंग जमनु जल धारा। तेरा सौभाग्य सदा बना रहे जब तक गंगा यमुना में धार रहे, जब तक गंगा यमुना इस धराधाम पर बहती रहे। हे सीता तेरा सौभाग्य बढ़ा रहे, तेरा सौभाग्य बना रहे। कह करके विदा ली चले भगवान। और जैसे ही चले लक्ष्मण जी को पता चल गया कि भगवान रामचंद्र को वनवास हुआ है। दौड़ते हुए व्याकुल होकर के आए भगवान के चरणों में। कंप पुलक तन नयन शरीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। शरीर कांपने लगा भगवान के चरणों में गिर करके रोते हुए भगवान से बोले, प्रभु ये दास भी आपके साथ चलेगा, मुझे भी अपने साथ आप ले चलिए। मो कहूं काह कहब रघुनाथा रखी हैं भवन की ले हैं साथा। मन में यही विचार चल रहा था कि राम जी मुझे लेके चलेंगे कि यहीं छोड़ के जाएंगे, छोड़ के तो मैं नहीं रहूंगा, प्रार्थना करूंगा भले ही चाहे आज मुझे जो कुछ करना पड़े लड़ झगड़ के मैं भैया के साथ जाऊंगा साथ में। लक्ष्मण जी बोले, भैया आप मुझे लेकर के चलिए, मैं आपके सिवा मैं यहाँ नहीं रह सकता। भगवान ने समझाया, कहा देखो अगर मैं भी तुमको लेके चला जाऊंगा तो हो ही सब ही विधि अवध अनाथा, अवध जो है अनाथ हो जाएगा, इसलिए लक्ष्मण तुमको यहीं रहना है। और जिसके प्रजा में जिसके राजा जिसके राज्य में प्रजा दुखारी हो वह राजा नरक का गामी होता है। हमारे पिताजी नरक जाएं क्या तुम ये चाहते हो? अरे मुझे नहीं, कम से कम पिताजी का तो मुख देखो, पिताजी की तो गति का विचार करो। लक्ष्मण जी से जब कहा तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके बोले, गुरु पितु मातु न जानू काहू, गुरु पितु मातु न गुरु पितु मातु न जानू काहू, गुरु पितु मातु न कहूँ सुभाओ नाथ पति आऊ, कहूँ सुभाओ नाथ पति आऊ। लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं अपने गुरु अपने माता अपने पिता में किसी को नहीं जानता, जब से नेत्रों को खोला है बस आपको ही सब कुछ माना है अपना। भैया मैं आपको छोड़ करके एक क्षण भी नहीं रह सकता। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। मेरे तो सब कुछ आप हो। मैं सच कहता हूँ भैया, आपके चरणों की शपथ खा करके कहता हूँ कि लक्ष्मण का प्राण भी आप हैं। आप अगर हट ठानेंगे ना कि ठीक है लक्ष्मण तुमको यहाँ रहना है, तो लक्ष्मण आपके चरणों की शपथ कह करके एक बात कहता है, भैया आपका पग आपका चरण अयोध्या के भवन के बाहर बाद में निकलेगा, उसके पहले आपके कानों में यह खबर आ जाएगी लक्ष्मण का प्राण देह छोड़ करके निकल गया। मैं आपके बिना एक क्षण नहीं रह सकता, भैया कृपा करो और मुझे ऐसे मत छोड़ो, आप मुझे अपने साथ रख लो। भगवान ने जब लक्ष्मण जी की गति को देखा तो भगवान समझ गए कि मेरे बिना ये नहीं रह सकता। एक बार व्यक्ति प्राण के बिना रह सकता है लेकिन ये लक्ष्मण मेरे सिवा नहीं रह सकता। भगवान ने कहा, मागहु विदा मा तु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। जाओ माँ के पास जाकर के विदा मांगो और जल्दी करना है, देर नहीं करनी है, समय हो चुका है चलने का। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए गए, प्रसन्न हो गए एकदम, आहा अब तो वन चलना है। देखो ये है भक्ति, लोग जंगल जाने में रोते हैं, लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए कि हमें वन जाने का सौभाग्य मिल रहा है। जाकर के माता के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन जैसे ही माता सुमित्रा को देखा लक्ष्मण जी का हृदय पुनः कसम कसम में पड़ गया। माँ कभी बोलेगी जाओ और माँ कभी बोलेगी नहीं और प्रभु कभी लेकर के जाएंगे नहीं, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तब तक माता सुमित्रा ने कहा, अरे लक्ष्मण यहाँ क्या करने चला आया? अरे आज राम का राज्याभिषेक है, कितने काम है प्रजा में, कितनी तैयारियां करनी है, जाके तुझे हाथ बटाना चाहिए कि तू यहाँ पे आकर के यहाँ क्या कर रहा है?
जा जल्दी जा, क्या कोई खबर लेके आया है? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके सजल नेत्रों से माँ को देखा और कहा, माँ अब राज्याभिषेक इस अयोध्या का रघुनाथ जी का नहीं होना, अब तो अवध से बाहर जो वन है, जो जंगल है, कानन है, उसका राज्याभिषेक होना है। सुन करके माँ सुमित्रा कांप गई। क्या कह रहा है? हाँ माँ, कैकेयी माता ने ऐसा ऐसा वचन कहा पिताजी के सामने, पिताजी ने भैया को वन जाने का आदेश दे दिया है। सुनते ही तो माता थर थर कांपने लगी, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, लेकिन धीरज धरे उकु अवसर जानी, ये बहुत कुअवसर हमारी अयोध्या को प्राप्त हो गया है। अपने को संभाल करके श्री लक्ष्मण जी को देख करके माता सुमित्रा कहने लगी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने ही, अवध तहां जहां राम निवासु, अवध जहाँ भानु प्रकाशु, कहीं दिवस जो पे राम सिय बन जाही, जो पे राम अवध तुम्हारे काज कछु नाही, अवध तुम्हारे काज कछु। लक्ष्मण, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, तेरी माँ तो वैदेही है, सीता है, और पिता राम सब भांति स्नेही। तुझे बचपन से जिन्होंने खेलते खेलते समय हारे हुए खेलों को जिन्होंने जिताया, पिता से ज्यादा जिन्होंने तुझे अपने हृदय से लगाया, वह राम तेरे पिता हैं, और जहां राम है वही अयोध्या है। हे पुत्र, राम जी वन को जाए और तू अयोध्या में घूमे, ये शोभा नहीं देता। लक्ष्मण, तू उसी समय उनके साथ साथ जा, जानता है तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, न कैकेयी हेतु है, न भरत हेतु है, न दशरथ जी महाराज हेतु है, राम के वनगमन में केवल तेरा भाग्य हेतु है। लक्ष्मण जी बोले, माँ ये कौन सा भाग्य हुआ कि मेरे चलते मेरे भैया बन जाएं? बोले, हाँ देख, अगर अवध में रहेंगे और आज राज्याभिषेक होता तो राजा के चारों तरफ कितने लोग लग जाते, तब तू क्या सेवा कर पाता। अब 14 वर्ष राम जी के आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, और वहां चलते जागते उठते बैठते हर सेवा तुझे करने को प्राप्त होगी। इसलिए लक्ष्मण, वहां जाकर के बिल्कुल प्रमाद नहीं करना, दिन रात जग करके राम जी की सेवा करना। वो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उनकी इच्छा को जान करके तू सेवा करता रहना। जब सुमित्रा माता ने ये वचन कहे तो श्री गोस्वामी जी को आखिर कहना ही पड़ गया, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। राम जी का लक्ष्मण जैसा भक्त हो वही माँ माँ कहलाने योग्य है। नतरु बाज भली बादी बियानी, राम विमुख सुत पे हित जानी। राम जी से विमुख रहने वाले पुत्र को जन्म देने से अच्छा तो बाज रहना अच्छा है। एक ही तो कष्ट होगा ना कि पुत्र नहीं है, और भगवान से विरोध करने वाला अगर पैदा होगा तो फिर पूरे कुल खानदान को रुलाने वाला होता है। माता ने कहा, जा जा जा, चरणों में प्रणाम किया, तन पुलकित हो गए, आनंद में भर गए, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संगनप मंदिर आए। सीता जी, लक्ष्मण जी
और श्री रघुनाथ जी तीनों जने आए, सचिव उठाई राव बैठारे। दशरथ जी तो निढाल पड़े हुए थे, श्री सुमंत्र जी ने उठा करके बिठाया उनको और कहा महाराज देखिए देखिए कही प्रिय वचन राम पग उधारे। देखो राम आ रहे हैं। सीय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भय भूपत भारी। अभी तक तो अकेले राम जी को देखने में इनका हृदय कांपता था, अब तो सीता जी और लक्ष्मण जी को देखा तो अब तो विचार भी बंद हो गया, मन में विचार ही आना बंद हो गए, क्या होना है ये। भगवान ने आके प्रणाम किया। पितु आशीष आय सुमोहि दीजै हरस समय विषमौ कत दीजै। राम जी ने कहा पिताजी आप इस हर्ष के विषय में, इस हर्ष की वेला में क्यों विषाद करते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं अब सीता को और लक्ष्मण को लेकर के वन को जा रहा हूँ। पिताजी 14 वर्ष बाद फिर ये राम आके आपके चरणों का दर्शन करेगा, अब विषाद की जगह नहीं है, अब आप तो कृपा करिए, आप हमको आशीर्वाद दे करके यहाँ से विदा करिए। श्री दशरथ जी ने बहुत धैर्य धारा और उनके मुख से शब्द निकला, राम क्या सीता भी वन को जाएगी? कहा पिताजी सीता को भी मैं वन में लेके जा रहा हूँ और लक्ष्मण भी जा रहे हैं। इतना सुना तो दशरथ जी के पुनः शब्द समाप्त हो गए, मुख से वचन नहीं बोल पाए। तब तक सीय सकुच बस उतर न देई सो सुनी तमक उठी कह के मुनि पट भूषण भाजन आनी आगे धरी बोली मृदुवानी। कासाय वस्त्र आदि को लाकर के भगवान के सामने बलकल वस्त्रों को लाकर के धर दिया और कहा राम पिता की आज्ञा के लिए तुम जा रहे हो, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा, लेकिन देखो ये पीताम्बर वगैरह पहन के नहीं जाना, वन में जा रहे हो तो वलकल वस्त्रों को पहन करके मुनि के समान तुम चल करके जाओ। जब सुना तो भूपति वचन बान सम लागे कर ही न प्राण पयान अभागे। राजा दशरथ जी अपने माथे को धुनने लगे कि ऐसे कठोर वचन को सुन के मेरे प्राण नहीं निकले, अरे मैं कितना अभागा हूं, क्या क्या मुझे सहन करना है। भगवान ने उसी समय राम तुरंत मुनि वेश बनाई चले जनक जननी सिरुनाई। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और जब भगवान चले तो वशिष्ठ जी महाराज आकर के खड़े हुए। वशिष्ठ जी को देखा तो सारे अयोध्या वासियों के मन में उत्साह आ गया कि गुरुदेव आ गए हैं, अब तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, अब हम अनाथ नहीं होंगे। भगवान ने प्रणाम किया। वशिष्ठ जी कुछ कहने ही जा रहे थे, कहा गुरुदेव ये आपके इस पुत्र के लिए मंगल की वेला है, इसमें अब आप आशीर्वाद देकर के मुझे विदा करें ताकि अपने पिता के वचन का पालन करके मैं उनके यश को बढ़ा सकूं। सुना तो श्री वशिष्ठ जी भी बस नेत्रों में आंसू लेकर के रह गए, कुछ शब्द कह न सके। भगवान प्रणाम करके चले। चारों तरफ से अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र भगवान के दशरथ जी के उस महल को घेर लिया था, बोले आज अब इस अयोध्या का और इस अयोध्या के महाराज दशरथ का त्याग करने का समय आ गया है, अब इस अयोध्या से हमें कोई काम नहीं है, हमें इनके साथ ही चलना है। भगवान चल करके रथ में विराजमान हुए। सुमंत्र जी को दशरथ जी ने बुलाया, कहा सुमंत्र सुमंत्र सुनो सुनो सुनो। सुमंत्र जी दौड़ करके आए, महाराज क्या बात है? सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी रथ चढ़ाई देख राई बनु फिर हो गए दिन चारी। सुमंत्र मैं तुम्हारे सिवा अब किसी दूसरे से अपने मन के भाव कह नहीं सकता, आज मेरे लिए प्राण की रक्षा करने वाले एकमात्र इस अयोध्या में तुम ही दिखते हो और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे दोनों बालक बड़े सुकुमार हैं, इनको रथ पर बैठा करके लेके जाओ और वन दिखाना जंगल दिखाना, 4 दिन जब जंगल देखेंगे वहां भयभीत हो जाएंगे तो उनको तुम वापस मेरे पास लौटा के ले आना, तब तक जब तक तुम लौट के नहीं आते मैं वचन देता हूं मैं अपने प्राणों को रोक करके रखूंगा, और अगर तुम खाली आए सुमंत्र तो इतना जान लेना तुम्हें खाली देख करके
कि दशरथ अपने प्राणों को त्याग करके राम के पास चला जाएगा। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, मैं जानता हूं कि मेरे पुत्र हैं तो मेरे ही रक्त से उत्पन्न, वो कभी लौट के नहीं आएंगे। तब क्या करना, तुम विदेह जनक की पुत्री वैदेही को, जनकात्मजा को, मेरी सीता को, मेरी प्यारी बहू को लौटा करके ले आना। जब जंगल में तुम जाओगे तो वहां के जीव जंतुओं को देख करके, घोर वृक्षों को देख करके सीता का मन जो है कलेश से भर जाएगा। तब तुम सीता को मेरी बात बताना कि मैंने कहा है कि वो लौट करके आ जाए, कुछ समय यहाँ रहे, कुछ समय वहां रहे, कुछ दिन अयोध्या, कुछ दिन मिथिला में जाकर के रहे, उसको जंगल में रहना नहीं है। ऐसा कह करके अस कही मूर्छी परा महिराऊ, राम लखन सी आन दिखाऊ। ऐसा कह करके महाराज मूर्छित होके गिर गए। रथ पर बैठा करके श्री सुमंत्र जी जैसे ही चले, सारी की सारी प्रजा विकल होकर के भगवान के पीछे चल पड़ी। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। जब रघुनाथ जी रथ पर बैठ करके अयोध्या से चले तो मानो लगा कि आज अयोध्या अनाथ हो गई, विकल होकर के लोग पीछे पीछे चलने लगे। घोर लागति अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। ऐसा लगने लगा मानो काल रात्रि की अंधियारी लग गई हो। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहिं किति नहीं। अयोध्या वासी राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाले हैं, इसलिए अयोध्या के वैभव को भी त्याग के तिनके के समान राम जी के रथ के पीछे पीछे चलने लगे। भगवान बार बार लौटाते पर कोई नहीं जाए। तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ, बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ। भगवान तमसा के तट पर आए और पहली रात्रि भगवान ने तमसा के तीर पर विश्राम किया। प्रातः काल भगवान ने तमसा के तट पर आकर के अपने सभी प्रजाजनों को बैठाया और बैठा करके भगवान उपदेश करने लगे कि ये धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। भगवान उपदेश करने लगे, देखो आपका सबका क्या धर्म है, अपने राजा की रक्षा करना। आप लौट के ऐसे आ गए, आपने अयोध्या का त्याग कर दिया तो महाराज के मस्तिष्क पर, महाराज के मन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। अरे वह अयोध्या आपकी है, मैं 14 वर्ष लौट के आऊँगा 14 वर्ष बाद, तब तक आप वहीं रह के मेरी प्रतीक्षा करो। और ऐसे देखो आप सब करोगे तो मैं कैसे सुख में रहूँगा, मेरी प्रजा, मेरे ये इतने सुंदर सुंदर प्रजाजन मेरे पीछे पीछे जंगल भागे तो ये राम को कभी स्वीकार्य नहीं है। आप सब अपने अपने घरों को जाओ, वहीं रह के बढ़िया से आप लोग मेरा मंगल मनाना, आप लोग मेरे पिताजी का ध्यान देना, मेरी माँ का ध्यान रखना, आप सब यहाँ से लौट जाओ। एक जने भी लौटने को तैयार नहीं हुआ, सब लोग शयन कर गए। मध्य रात्रि में भगवान ने सुमंत्र जी को जगाया और कहा, हे तात, ये सब सो रहे हैं, अब यही वो समय है जब हम इनको छोड़ करके जा सकते हैं। अगर ये अयोध्यावासी जग गए तो फिर इनको छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। आप ऐसे धीरे से घोड़े को चलाइए, ऐसा रास्ता बना दीजिए गोल गोल घुमा करके कि इनको पता ही न चले कि रथ गया कहाँ है। सुमंत्र जी के साथ भगवान रथ पर बैठे और सुमंत्र जी ने धीरे से रथ को हाँका। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। कुछ लोग प्रातः काल जब उठे, नींद खुली तो नींद खुलते ही रथ को देखा कि रथ नहीं है, रथ कहाँ गया, चिल्ला पड़े, अरे राम जी चले गए, राम जी चले गए। सारे के सारे प्रजाजन जग गए और जग करके आर्तनाद करने लगे। निंद ही आपू सराह ही मीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। अरे धिक्कार है हमारे जीवन पर, हमसे अच्छी तो मछली होती है जो जल से निकलते ही मर जाती है। राम जी छोड़ के चले गए और हमें निद्रा आती रही, हमें नींद आ गई। अरे धिक्कार है हमारी निद्रा पर,
धिक्कार है हमारी जीवन पर, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा, ऐसा तो 14 वर्ष बाद तो हमारी राम जी लौट के आएंगे ना, 14 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करते अयोध्या में रहेंगे, जैसे वो वन में रहते हैं हम अयोध्या को ही वन मान करके रहेंगे। सारे के सारे प्रजाजन रथ के पहिए से जो गड्ढे हुए थे, उस गड्ढे से चरण भगवान के रथ के पहिए से खुदे हुए गड्ढे से रज को धूल को ले लेकर के मस्तक पर रख करके पुनः अयोध्या के लिए लौट गए। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंग बेरपुर पहुंचे जाई। भगवान सीता जी के साथ, सचिव सुमंत्र जी के साथ लक्ष्मण जी को लेकर के रथ से श्रृंग बेरपुर पहुंचे और वहां जाकर के भगवान ने श्री गंगा जी को प्रणाम किया। गंगा सकल मुद मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी भव सूला, सब सुख करनी हरनी भव सूला। गंगा जी को भगवान ने प्रणाम किया और सीता जी को भगवान गंगा जी की महिमा बताने लगे। ये सभी मंगल का मूल है, अरे सब सुख करनी हरनी भव सूला, गंगा जी सब सुखों को देने वाली हैं और सब कष्टों का हरण करने वाली हैं। मज्जन कीन पंथ श्रम गयउ, भगवान ने स्नान किया और सुचि जल पियत मुदित मन भयउ। सुंदर गंगा जी के जल को भगवान ने पिया तो भगवान का मन शांत हो गया। श्रृंगवेरपुर में भगवान के एक मित्र हैं बाल सखा, जिनका नाम है निषाद राज। जब गुह्य राज को यह पता चला कि भगवान श्रृंगवेरपुर पधारे हैं, यह सुधि गुह निषाद जब पाई मुदत लिए प्रिय बंधु बुला। अपने बंधु बांधवों को लेकर के निषाद राज प्रसन्न होकर के आहा आज कैसा सौभाग्य है राम जी पधारे हैं। बड़े प्रेम से आकर के भगवान को करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुराग। अनुराग में भर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान बोले, अरे भैया निषाद राज जी कैसे हो, ठीक तो हो? निषाद राज कहते हैं, नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, कृपा करिय पुर धारिय पाऊ, हापिय जनु सब लोग सिहा। भगवान ने कहा, कैसे हो भैया? बोले, महाराज अभी तक कैसे थे सो तो पता नहीं, लेकिन नाथ कुशल पद पंकज देखे, आपके चरणों को देख लिया अब तो मैं कुशल हो गया, अब मैं मस्त हो गया। जब तक भगवान के चरण का दर्शन नहीं होगा तब तक जीव कभी कुशल हो नहीं सकता। रोज रोज एक एक नई नई कुशलता देखते हैं, ये वाला काम हो जाता तो फिर तो आनंद आ जाता, अब वो वाला काम पूरा हुआ कि तब तक तो दूसरा आकर के खड़ा हो गया कि हम उससे ज्यादा बड़े, तब तक तीसरा आ गया। ये कुशलता इस संसार में तो कभी प्राप्त होने वाली नहीं है, कुशलता जब भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे। आज तो महाराज कुशल हो गए,
सारी की सारी सेवक लोग वहां पर आए। वर्ष के लिए भेज दिया है तो सारे के सारे भील कोल जो वहां पर आए थे दर्शन करने परस्पर में कहने लगे, हे पितु मातु कहु सखी कैसे जिन पठये बन बालक ऐसे। अरे इनके माता पिता कैसे निर्दयी हैं, निष्ठुर हैं, ऐसे सुकुमल बच्चों को उन्होंने वन में भेज दिया। तब तक दूसरी ने कहा, देखो उनको कुछ मत कहो, एक कहीं भल भूपति की ना लोयन लाहु हम ही दीना। अरे भैया भूपति ने, राजा ने बड़ा उपकार किया, अगर वन नहीं भेजते तो क्या हम इनका दर्शन कर पाते कभी, आज हमारे बीच ये आकर के बैठे हैं तो ये महाराज दशरथ की कृपा है। सुंदर कंदमूल फलों को ला करके रख दिया। सूची फल मूल मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राखे सी पानी। दोना बना बना के पानी रख दिया, फल फूल रख दिए। भगवान ने सीय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई। भगवान ने कंदमूल फल खाए और भगवान ने शयन किया। शयन कीन रघुवंश मनी पाय पलोटत भाई। तब भगवान शयन करने के लिए तैयारी करने लगे। सुंदर कुशा बिछाई गई और उस कुशा के ऊपर भगवान सीता जी को साथ में लेकर के शयन कर गए। लक्ष्मण जी थोड़ी दूरी पर अपने धनुष को लेकर के बाण चढ़ा करके बैठ गए, कोई अगर गड़बड़ी होगी तो तैयार रहना है। दूर जाकर के जागन लगे बैठ वीरासन। लक्ष्मण जी वीरासन में जाकर के बैठ गए। निषाद राज ने उनको भी कहा नीदानी, आकर के लक्ष्मण जी के पास में उनके चरणों में प्रणाम करके आसन स्वीकार किया। और जब राम जी को देखा तो राम जी को देख करके सहसा उनके नेत्रों से अश्रु का पात होने लगा, अश्रुपात होने लगा, झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे क्या बात हो गई? कहा, महाराज मैं देख रहा हूं ऐसे सुकोमल रघुनाथ जी को कुशा के आसन पर सोना पड़ रहा है। क्या विधाता ने इनके भाग्य में लिखा? क्या कैकेयी माता की बुद्धि मारी गई? अरे उनकी बुद्धि को चलो पत्थर पड़ा था, कम से कम महाराज दशरथ को तो सोचना था, ऐसे फूल से कोमल बालक को वन भेज दिया। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे तात, काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। या इस संसार में कोई किसी को सुख देने वाला नहीं और कोई किसी को दुख देने वाला नहीं, है ना? ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कोई देवता कोई नवग्रह किसी को ना सुख देते ना दुख देते हैं, हमारा कर्म ही हमें सुख देता है, हमारा कर्म ही हमें दुख देता है। और उस कर्म को कोई काटना चाहे तो संसार में कोई काट नहीं सकता। अच्छा आप लोग एक बात विचार करें, बहुत सहजता से समझिएगा, क्या माता कौशल्या से बढ़कर के हमारी भक्ति हो सकती है किसी की? क्या कोई संसार में ऐसा पैदा होगा क्या जिनके प्रेम के वश में भगवान पुत्र बन के जन्म ले रहे हैं? त्रिलोकीनाथ भगवान को जिन्होंने गोद में खिलाया अपने, जिनके पुत्र बन के भगवान आए, उन मां कौशल्या के मस्तक पर लिखा था कि उनको विधवा होना है। भगवान पुत्र बन के आए और अपनी मां को विधवा होने से नहीं बचा पाए। और यहां एक माला जप करके लोग सोचते हैं अब तो भगवान को खरीद लिया, जो होगा हम सब पलटवा देंगे। कुछ भी पलटने वाला नहीं है, जो जो कर्म किया है वो सब जीवन में भोगना पड़ेगा। इस संसार में कर्म को काट करके सुख को कोई प्राप्त कर ले ये संभव नहीं है। अगर कर्म खराब आया है तो उसको काट के ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, भोग करके ही जाना पड़ेगा। बिना कर्म को भोगे कोई इस कर्म के बंधन से छूट नहीं सकता। इसलिए
जब हमारे जीवन में सुख दुख आवे तो सुख आवे तो बौराना नहीं चाहिए कि अब हमारे जैसा कौन है, हम ही सब कुछ हैं। और जब दुख आए तो अधीर नहीं होना चाहिए, धैर्य करना चाहिए कि बहुत बड़ा कष्ट जीवन में आ सकता था लेकिन भगवान ने कृपा करके इतना सा कष्ट कर दिया। भगवान की कृपा है, नहीं तो हमारी क्या दुर्गति हो गई होती। या मन में विचार करना चाहिए और धैर्य करके उस कष्ट के निवृत्ति के समय को देखना चाहिए, ये भटकना नहीं चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं और कहने पर लोगों को बड़ा बुरा लगता है, फिर गाली देना शुरू कर देते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सच्ची बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जितना लोग टोना टोटका के चक्कर में पागल हुए हैं, उतना अगर धैर्य करके भगवान के चरणों में विश्वास रख के बैठे तो इतना कष्ट नहीं है। रोज भाग रहे हैं, कभी यहाँ नारियल बांधना, कभी वहां धागा बंधवाना, कभी वहां माथा रगड़ना, कब तक करोगे? इतना ध्यान रखना, कोई नारियल कोई टोना टुटका आपके कष्ट का हरण नहीं कर सकता। जो जीवन में आया है उसको भोगना पड़ेगा। हाँ, इतना हो जाएगा कि भगवान के चरणों में विश्वास रहेगा तो जो बहुत बड़ा कष्ट है उसको सहन करने की बहुत बड़ी सामर्थ्य भगवान आपको प्रदान कर देंगे। वो कब में चला जाएगा पता नहीं चलेगा। अरे, साक्षात भगवान पुत्र बन के आए और माता कौशल्या का वैधव्य नहीं हर पाए और यहाँ दो पैसे के टुटके में हमारा कष्ट दूर हो जाए, ये संभव नहीं है। ये भारतवर्ष की भूमि कर्म करने वालों की भूमि है, भारतवर्ष की भूमि ज्ञानियों की भूमि है। अज्ञानी बन के मत भटकिए, भगवान के चरणों में पूर्ण विश्वास रखिए। जन्म मरम जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू, धरनी धाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरकु जहां लगी व्यवहार। ये संसार ऐसा ही है। निषाद राज को समझाने लगे, हे सखा, इस संसार में आकर के सब तो मिलना ही है, इसलिए किसी को दोष देना नहीं चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि अरे बताओ बेचारों को, वो गोली खाई, रिएक्शन हो गया, मर गए। कहते हैं कि नहीं कि भैया कोई कोई मरते हैं, गोली खाए, रिएक्शन हो गया, मर गए। अब उनसे पूछो, 50 साल से वही गोली खा करके ठीक रहते थे, अब उसी गोली का रिएक्शन कैसे हो गया? बोले काल ही रिएक्शन करवा देता है। तो गोली का रिएक्शन नहीं है, काल का रिएक्शन है। कहो, बोलते पानी पी रहे थे, पता नहीं एकदम से हिचकी आई, वो बेचारे वो पानी लगता है अंदर रह गया, वो चले गए बेचारे, सांस की नली में पानी चला गया। लोग कहते हैं कि नहीं कहते? अगर ऐसा ना, हम तो कह रहे थे थोड़ी देर में पीना, लेकिन वो जबरदस्ती जल्दी पी रहे थे, थोड़ी देर में पीते तो रह जाते। अरे काय को थोड़ी देर में पीते, काल बैठा था पिलाने के लिए, कोई थोड़ी देर नहीं होती, काल अपने समय से काम करता है। एक कथा हमारे गुरुजी ने सुनाई थी, मैं हमेशा कथाओं में बोलता हूँ। एक कबूतर बैठा था कालंजर पर्वत के ऊपर, यमराज गए वहां से, यमराज ने उसे देखा और देख के मुस्कुराए धीरे से। अब आप विचार करो, यमराज किसी को देखें तो क्या हाल होगा और मुस्कुराएं, वो बेचारा कांपने लगा, हाय रे गए। तब तक गरुड़ जी आ गए, गरुड़ जी आए तो बोले क्या बात है भैया, कैसे? महाराज महाराज बचाओ बचाओ। अरे क्या बात है महाराज, यमराज देखो जी जा रहे हैं, हमें देख के मुस्कुरा रहे थे। अच्छा चिंता मत करो, गरुड़ जी ने उनको उठाया कबूतर को, और गरुड़ जी का तेज तो मन से भी ज्यादा तेज है। एक क्षण में हजारों योजन दूरी पर कालंजर पर्वत से सालमनी द्वीप की गुफा में उसको दुबका दी, और पुनः एक क्षण के भीतर में वो वहीं कालंजर पर्वत पर पहुंच गए। उसको लेके गए और वहां दुबका के फिर आ गए, एक क्षण भी नहीं बीता, इतना तेज किया गरुड़ जी ने। और जैसे ही वहां पे गरुड़ जी आके खड़े हुए, यमराज पीछे मुड़े और जब गरुड़ जी को देखा तो हंस दिए। गरुड़ जी को बड़ी तेरिस पड़ी, हे यमदेव, ये क्या आपने मजाक समझ रखा है, हमें देख के हमारे पक्षियों को देख के मुस्कुरा रहे हो? गरुड़ जी ने जब पूछा तो यमराज मुड़े और पास आके प्रणाम किया, महाराज आप तो भगवान के साक्षात वाहन हैं, आप वेदात्मा कहे जाते हैं, भला आपके ऊपर कौन हंसेगा? महाराज हम तो विधाता के विधान को देख के हंस रहे थे, काल का विधान कैसा था, यहाँ एक कबूतर था ना अभी अभी। गरुड़ जी बोले तुम्हें क्या करना कबूतर का? बोले हमें तो कुछ नहीं करना, जिसको करना था उसने कर दिया। महाराज अगर वो पूरा जीवन उड़ करके जाता तो यहां से सालमनी द्वीप की गुफा में पहुंच नहीं पाता, और उसके विधाता ने विधान में लिखा था
एक क्षण के बाद में शालमनी द्वीप की एक गुफा में उसकी मृत्यु थी, तो हम उसको देख के यही हंसे कि जीवन भर उड़ेगा तब भी नहीं जाएगा, ये पहुंचेगा कैसे। जब हमने आपको देखा तो हम समझ गए कि ये काम आप ही कर सकते, तो पहुंचाया ये, बोले हाँ महाराज पहुंचते ही तो चला गए। ये है काल की गति, कौन पार पाएगा। इसलिए धैर्य धारण करना चाहिए। और एक बात हम आपको बताते हैं, सखा परम परमारथु एहु, सखा परम परमारथु एहु, सखा परम मन क्रम वचन राम पद में हु, मन क्रम वचन राम पद। लक्ष्मण जी कहते हैं हे सखे, इस संसार में सबसे बड़ा परमार्थ यही है, राम जी के चरणों में स्नेह हो जाए, राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाए, बाकी कुछ भी पाने लायक है ही नहीं संसार में। जो मांगोगे ना आपके सामने ही खत्म होगा, वो कुछ भी मांगने योग्य नहीं है। क्या मांगना, बस भगवान से भगवान की ही कृपा मांगनी है, आपकी कृपा के भरोसे हमारा सब काम बन जाए, आपकी कृपा सदा बनी रहे। काम बने तो अच्छा और बिगड़े तो बहुत अच्छा, पर आपके चरणों को छोड़ करके हमारा मन कहीं भी न जाए, यही सबसे बड़ा इस संसार में पुरुषार्थ है। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट खीर मगावा। भगवान ने प्रातः काल उठ करके स्नान किया और बट वृक्ष का दूध, बट का जो पेड़ होता है ना, बट पूजन तो करते हैं ना सावित्री वाले उसमें व्रत में, तो बट का जो वृक्ष होता है उसको जब कुछ चक्कू मारिए तो उसमें से दूध निकलता है, वो दूध भगवान ने मगाया। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छुछा। सुमंत्र जी के सामने भगवान ने अपने हाथों को उस दूध में डुबाया और अपने सुंदर सुकेशों को भगवान ने जटा में परिवर्तित किया, जटा बांधने लगे भगवान। जब सुमंत्र जी ने देखा तो नेत्र उनके सजल हो गए, मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या और देखते मैं अभी तक शरीर को रोक करके रखूंगा, मेरे सामने फूल से सुकुमार श्री राम ने बताओ अपने मस्तक पर जटा बना ली। भगवान को ने जब देखा तो उनको धैर्य धारण कराया और कहा, नाथ कहे उस कौशल नाथा, ले रथु जाहु राम के साथा। भगवान ने कहा अब आप जाइए। सुमंत्र जी ने कहा, महाराज जब मैं आ रहा था आप रथ पर चढ़े तब महाराज ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि राम को लक्ष्मण को वन दिखा करके वापस लौटा करके ले आना, आप मेरे साथ लौट चलो, नहीं तो उनके प्राण बचने वाले नहीं हैं। जब सुना तो भगवान बोले कि महाराज आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं, और लौट करके क्या मैं उस धर्म का अपमान करूं, क्या उस धर्म की हत्या में करूं। अरे शिव दधीच हरिचंदन रेसा, सहे धर्म मतु सहे धर्म हित कोटि कलेसा। धर्म की रक्षा के लिए करोड़ों करोड़ों कलेश उन्होंने सहन किए, यहां तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप जाइए और जाकर के पितु पद गही, कही कोटि नति विनय करब कर जोरी, चिंता कवनिहु बात के तात करिय जनि मोरी। पिताजी के चरणों में प्रणाम करना और आप उनसे कहना मेरी कोई चिंता ना करें, मैं जानता हूँ मेरे पिता मेरी बहुत चिंता करते हैं, लेकिन कह देना कोई चिंता ना करें, राम पुनः लौट करके आएगा। और सुमंत्र जी के हाथ को भगवान ने अपने हाथ में पकड़ लिया, और जब भगवान सुमंत्र जी के हाथ को अपने हाथ में लेके श्री दशरथ जी के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे तो भगवान के नेत्र के आंसू
सुमंत्र जी के हाथ पे आकर के टपके। भगवान ने कहा, हे सुमंत्र जी, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आपका इतना ही मैं कर्तव्य आपसे प्रार्थना करके कहता हूँ, मेरे पिता को मेरे कारण अब कोई कष्ट ना हो, आप उनका ध्यान रखना। सुमंत्र जी ने जब भगवान के इस संकल्प को देखा कि ये लौटने वाले नहीं, तो सुमंत्र जी ने बड़ी उम्मीद के साथ में सीता जी को देखा और कहा, हे जानकी, आप तो कम से कम लौट करके अयोध्या चली चलो। महाराज दशरथ ने कहा था कि राम लक्ष्मण ना आए कोई बात नहीं, मेरी बहू को वापस लेकर के आ जाना, आप तो लौट करके चलो। सीता जी ने कहा, प्रभु, हे तात, प्रभा जाई कहां भानु बिहाई, कहां चंद्रिका चंद्रु तजी जाई। क्या चंद्रमा की चांदनी उसे छोड़ करके कहीं जा सकती है? क्या प्रभा सूर्य को छोड़ करके कहीं स्वतंत्र रह सकती है? जैसे वह नहीं रह सकते, ऐसे में राम जी को छोड़ करके नहीं रह सकती। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, प्राणों से भी प्रिय मेरे देवर मेरे साथ में हैं। वीर धुरीन धरे धनु भाथा, अपने हाथ में धनुष लेकर के चलने वाले इनके रहते मुझे कौन सा कष्ट होने वाला है? अरे मैं सच कहती हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है, आप जाओ। जैसे ही सीता जी ने कहा जाओ, जैसे बिना फणी के, जैसे बिना मड़ी के सांप अपने फन को पटकने लगता है, सुमंत्र जी महाराज अपने हृदय को धुनने लगे। इतना इतना सब देख के सुन करके भी ये प्राण बाहर नहीं जाते, मैं कैसे लौट करके जाऊंगा, किस मुख से मैं महाराज को अपना मुख दिखाऊंगा? सुमंत्र जी को बारंबार भगवान ने राम प्रबोध कीन बहु भांति, बार बार मूर्छित जैसे होने लगे, भगवान ने उनको धैर्य धराया, कहा आप ऐसा मत करिए, आप हमारे पिताजी का ध्यान धरिए, आप चलिए। भगवान ने रथ पर बैठाया और जब सुमंत्र जी कहते, जब रथ को हांकने लगे ना, तो सुमंत्र जी कहां से रथ हांकते? अरे रथ में लगे हुए घोड़े भी अपने पैरों को आगे नहीं बढ़ाते थे। जा सुभियोग सकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहिं कैसे। देख करके निषाद राज अपने सिर को धुनने लगे, रोने लगे, अरे जिनके वियोग में पशु पक्षी भी ऐसी स्थिति को पा गए, अरे भैया उनके माता पिता कैसे जीवित रहेंगे, उनके माता पिता इनके बिना कैसे रहेंगे। भगवान श्री रामचंद्र सुमंत्र जी को विदा करते हैं। सुमंत्र जी ने भगवान की ओर देखा, चरणों में प्रणाम किया और भगवान के बारंबार कहने पर सुमंत्र जी महाराज अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान ने निषाद राज से कहा, भैया अब हमें आगे जाना है। कहा महाराज आप मत जाओ, आप मेरे ही नगर में रह जाओ ना, हम लोग सदा आपकी अपने प्राणों के समान सेवा करते हैं, यहाँ पे मैं मेरा परिवार मेरी प्रजा ये सब आपके ही तो सेवक हैं, हम भी तो आपके हैं, ये मेरी छोटी सी कुटिया भी आप ही की है, आप यहीं रह करके हम पर कृपा करो। भगवान ने कहा नहीं, अब मुझे आगे जाना है। भगवान ने आज्ञा दी। निषाद राज ने कहा ठीक है महाराज, तो कम से कम इतनी आज्ञा दीजिए कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। आपकी झोंपड़ी, अब आप देखो आप तो राजकुमार हो, बहाना बनाया, आप तो राजकुमार हो, आपको झोंपड़ी बनाना थोड़ी आता है, हमको पता झोंपड़ी कैसे बनती है, तो हम झोंपड़ी बना के बढ़िया आपको बैठा के फिर लौट आएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान चले और भगवान सुरसरी तीर आप उतब आए, भगवान गंगा जी के तट पर आ गए। और जब भगवान गंगा जी के तट पर आए तो गंगा जी के तीर को पार करने के लिए भगवान को नौका की आवश्यकता पड़ गई। मागी नाव न के भट आना, मागी नाव कहई तुम्हारे मरम में जाना, कहई तुम्हारे हाँ, मागी नाव न के भट
रही तुम्हार मरम में। भगवान ने कहा भैया नाविक आ जाओ पार करा दो। भगवान ने नाव मांगी, केवट ने कहा मैं नहीं आ रहा। अरे भैया क्या बात है, कही तुम्हार मरम में जाना। अब जब सुना केवट के मुख से मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, लक्ष्मण जी ने मनी मन का देखो बड़े बड़े योगी सिद्ध जो है भगवान का मरम नहीं जान पाते, ये कह रहा है धूर्त कि हम मरम जान गए, ये जानेगा मरम। लक्ष्मण जी बोले भैया क्या मरम जान गए? बोले तुम्हें नहीं पता क्या? बोले हमें तो सब पता, तुम बताओ तुम क्या जान गए। तो केवट कहने लगा, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, पाहन ते न काठ। महाराज मैं जानता हूँ चरण कमल रज कहूँ सब कहई, आपकी चरण कमल की महिमा सब कहते हैं, मानुष करनी मोरी कछु अहई। इसमें कुछ ऐसा चमत्कार है कि जहाँ छुप जाए तो मनुष्य पैदा हो जाते हैं, मनुष्य भी नहीं सीधे सुंदर स्त्रियाँ पैदा होती हैं। महाराज हमारे घर में खाने पीने के लिए, हमारे काम धंधे के लिए एक नौ का ये सहारा, और माँ तो पत्थर छुआ तो वो मुनि की पत्नी बन गई। और मान लो ये तो पत्थर नहीं तो लकड़ी है, वहाँ तो छूना भी पड़ा, यहाँ तो धूल उड़ के भी चली जाएगी, तो कोई ऋषि की ये पत्नी बन के भागेगी, तब हम क्या खाएंगे पिएंगे, हमारी तो नौका ही चली जाएगी। और मान लो ऋषि पत्नी नहीं बनी, मेरी ही पत्नी बन गई, तो महाराज घर में कलह होगी, एक तो देखी नहीं जा रही, दूसरी और खोपड़ी खींचेगी, तो महाराज हम नहीं आने वाले। भगवान हंस करके बोले भैया तो ऐसा काम कुछ करो ना कि जिससे तुम्हारी नाव नहीं जाए, ऐसा भी कुछ काम कर सकते हो कि नहीं? बोले कर तो सकते हैं पर हमारा मन ही नहीं है चढ़ाने का, तो हम क्या करें? भगवान बोले अच्छा तो मन कैसे करेगा? तो केवट ने कहा, पग धोई नाव, पग धोई नाव चढ़ाई हो, नाथ न उतराई चहु, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ कछु, मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपथ सब साची कहु, बरु तीर बारहुँ लखन पे जब लगी न पाव पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पारु उतारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ पारु उतारी। पद कमल धोई चढ़ाऊ नाव, आप अगर नाव पे चढ़ना चाहते हैं तो महाराज आपके चरणों को धोकर के जो धूल है ना, जो स्त्री बनाने वाली धूल है, उसको हटाना पड़ेगा। भगवान ने कही अच्छा गंगा जी में धो लेते हैं, गंगा जी में काय को धो लेते हैं, हम धोएंगे। पन का ज्यादा ये फायदा उठा रहा है। भगवान बोले भैया हल्ला नहीं। जब भगवान ने कहा हल्ला नहीं तो केवट ने कहा महाराज सुनो लक्ष्मण जी, नाव चलानी आती है, इतना भाव है ना, भेजाओगे लेकर के तीनों जने को, बड़े आए यहाँ, ये ताव मत दिखाना, नहीं हम चले जाएंगे, हमारा यूनियन है केवटों का, हम कह देंगे कोई नहीं उतारेगा, खड़े रहना इन पर। लक्ष्मण जी बोले अच्छा अच्छा भैया गलती हो गई। भगवान ने कहा अच्छा भैया चलो अब क्या करना है तुम बताओगे? बोले हाँ महाराज अभी हम जा रहे हैं और यंत्र लेकर के आ रहे हैं। यंत्र लेकर के आया। बोले क्या यंत्र लेकर के आया? बोले एक कठौता लेकर के आया जिसमें पूरा परिवार भोजन करता था।
लकड़ी का कठोरता लेकर के आया और सुंदर गंगा जी का जल भर करके आया। भगवान शिव बोला, महाराज अब पहले चरणों का प्रक्षालन करेंगे, उसके बाद आपको नौका पे चढ़ाएंगे। भगवान ने कहा, ठीक है भैया, खूब प्रेम से चरणों को हमारे धो। भगवान के कहने पर केवट ने भगवान के श्री चरण को अपनी कठौती में पधराया। अच्छा, कठौता तो इतना ही बड़ा होता है, तो एक ही चरण आया भगवान का। जब एक चरण आया तो खूब रगड़ रगड़ के धोए। लक्ष्मण जी बोले, ऐसा है तू उतार के धरी ले चरणों को, धोता रही हो आराम से। अरे जल्दी करेगा? बोले जल्दी काहे को करेंगे। देखिए महाराज, हमारे यहाँ हम लोग नियम से काम करते हैं। अच्छा, क्या नियम है? बोले जो घाट पे पहले आता है, पहले हम उसको उतारते हैं, बाद में दूसरे को उतारते हैं। लक्ष्मण जी ने देखा एक भी जने नहीं दिख रहा है। बोले आपको नहीं दिख रहा, हमें तो बहुत सारे दिख रहे हैं। बोले कौन है? बोले हमारे सारे पूर्वज इस घाट पर आकर के खड़े हैं। अब पहले रघुनाथ जी के चरण रूपी नौका से उनको पार लगाऊंगा, तब राम जी को नौका पार कराऊंगा। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। पहले अपने परिवारियों को उसने पार कराया, अब भगवान के चरणों को धोया और चरणामृत लिया। भगवान बोले दूसरा तो रही गया है। बोले पहले इसको चेक करने दो ना, एक 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 साथ थोड़ी करेंगे, इसको चेक करने दीजिए, दिक्कत क्या है इसमें? लैब में टेस्ट होता है ना, ये टेस्ट हो रहा है आपके चरणामृत का। पिया बोले ठीक तो है महाराज, ये अच्छा हो गया, लाओ पहुँच दें। अपने बढ़िया कपड़े से भगवान के चरणों को पहुँचा और पहुँच करके बोला, महाराज ठीक है। भगवान ने उस चरण को निकाला और धरती पर धर लिया और दूसरे चरण को कठौती पे, और जैसे ही कठौती भगवान ने चरण को रखा, केवट ने माथा ठोका करा, सब बर्बाद कर दिया, सारी मेहनत खराब कर दी। भगवान बोले, भैया चिल्ला क्या कर दिया हमने? बोले इतने मेहनत से धोया था, फिर धूल लगा दी। अरे तो भैया पैर धुल गया तो रखना तो पड़ेगा। बोले रखा तो हमसे पूछ के रखना था ना, हमारी गोद में रख लेते, अब फिर धूल लग गई, फिर उसको धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले, भैया हम ही धुला देते, रुक जाओ। भगवान बोले, भैया करंगो नहीं तो नहीं ले जाएगा, यूनियन वाली बात है, कोई और दूसरा भी नहीं उतारेगा। केवट ने कहा, सुनो हल्ला तो करना नहीं लक्ष्मण जी, हम जानते हैं कि तीन चरण में लोक त्रय नाप लिए भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े सोई कृपा निधान। तीन पग में जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, क्या एक पग बढ़ा करके गंगा पार नहीं कर सकते थे? लक्ष्मण जी हम जानते हैं राम जी का सील स्वभाव, यह गंगा इनके कुल की पुत्री हैं, भगीरथ के द्वारा आई भागीरथी हैं, और रघुवंशी कभी अपनी पुत्री का उल्लंघन नहीं करते, लांघते नहीं, इसलिए हमारी नौका की जरूरत तो पड़ेगी। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, खड़े रहो। शांति से खड़े हो गए। भगवान ने कही, अब क्या करें? अब एक पांव पे कैसे खड़े हो पाएंगे, गिर नहीं जाएंगे? बोले वो आपकी टेंशन है, चलो थोड़ी कम कर देते हैं, ऐसा है हमारे कंधे का या हमारे सिर का सहारा लेके खड़े हो जाओ। देवता लोग आश्चर्य करने लगे, सारे जग को सहारा देने वाले प्रभु को आज एक केवट अपने सिर का सहारा दे रहा है, और भगवान भी भक्ति के वश में आकर के उसके कंधे का सहारा लेकर के खड़े हो गए। खूब प्रेम से भगवान के चरणों को धोया। अब धो दिया, अभी ये नीचे नहीं धर देना, इसको गोद में रखो। भगवान ने गोद में रखा, दूसरे चरण को कठौती में रखा, खूब प्रेम से धोया, भगवान को नौका में चढ़ाया और नौका को लेकर के केवट चला। गंगा जी हिलोरे मार मार करके मानो भगवान के चरणों को धोने आने लगी। केवट कहने लगा, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो।
उछल उछल मत मारो हिच कोले, उछल उछल मत उछल उछल मत मारो हिच कोले, देख हिच कोले मेरा मनवा डोले, देख हिच कोले मेरा देख हिच कोले मेरा मनवा डोले, देख हिच कोले मेरा मनवा डोले, मेरी नैया में मेरी नैया में चारों धाम ओ गंगा मैया धीरे बहु, मेरी नैया में चारों धाम ओ गंगा मैया धीरे बहु, मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया की फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, तुम बिन मैया कौन खेवैया, तुम बिन मैया कौन खेवैया, तुम बिन मैया कौन खेवैया, तुम बिन मैया, तुम बिन मैया कौन खेवैया, तुम बिन मैया, मेरी नैया है मेरी नैया है बीच मझधार ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया है बीच मझधार ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया मेरी नैया में लक्ष्मण राम ओ गंगा मैया धीरे राम चंद्र भगवान की, श्री लखन लाल की, श्री गंगा मैया की, सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए गंगा जी ने पूछा इतनी बड़ाई कर रहे हैं कौन, केवट कहने लगा दीन दुखी के ये रखवारे, 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 दुष्टों को भी तारने वाले, दुष्टों को भी तारने वाले, दीन दुखी के ये रखवारे, दीन दुखी के ये रखवारे, दुष्टों को भी तारने वारे, दुष्टों को भी तारने वारे, आज आए हैं आज आए हैं तेरे धाम ओ गंगा मैया धीरे बहो, आज आए हैं मैया धीरे
गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में प्रभु श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो, केवट केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एही नहीं कछुदीन्हा। भगवान को केवट ने गंगा जी के पार उतारा, और जब भगवान उतरे तो केवट पहले कूद पड़ा नौका से, भगवान को साष्टांग प्रणाम करके बोला, महाराज आज तो कितनों को पार कर दिया, महाराज कितनों को पार कर दिया। भगवान ने संकोच में केवट के नेत्रों से अपने नेत्रों को नहीं मिलाया। भगवान को संकोच हुआ क्या? बोले हाँ, क्यों? बेचारे ने नौका से नदी पार कराई, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं, बस एक वलकल वस्त्र पहन के तो आए रघुनाथ जी, और है क्या, एक धनुष है, तू ही रहे, बाण है और क्या है उनके पास। राम जी को जब संकोच में देखा तो पिय ही की सी जानी निहारी, मनी मुदरी मन मुदित। सीता जी जानती है राम जी कितना संकोच करते हैं, जान गई, धीरे से अपनी अंगूठी को उतारा और अंगूठी राम जी के हाथ में दे दी। कहा महाराज, राम जी ने जब अंगूठी को देखा तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। बताओ ये दिन आ गए कि अपनी पत्नी के हाथ की अंगूठी उतार के। सीता जी ने कहा, महाराज आपका मेरे ऊपर अधिकार है, अरे ये अंगूठी है, आप चाहो तो आप मुझे भी उठा करके संसार से पार भेज सकते हो, आप चाहो मेरा सर्वस्व आपके लिए है, आप जो चाहो आप कर सकते हो, ये तो अंगूठी की बात है। भगवान ने उस अंगूठी को लिया और हाथ में केवट के देने लगे। केवट ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब तो कुछ भी नहीं चाहिए, नाथ आज मैं कहा न पावा, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारी दावा, मिटे दोष दुख दारी दावा। हे नाथ आज क्या नहीं मिल गया मुझे, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, कहु कृपाल ले ही उतराई, ये उतराई ले लो। केवट चरण गहे अकुलाई, केवट भगवान के चरणों में लिपट गए। कहा महाराज क्या नहीं मिला, सब तो मिल गया। लक्ष्मण जी बोले, धल्लो धल्लो। केवट ने कहा, आप हम दोनों के बीच में नहीं बोलो श्रीमान तो ज्यादा अच्छा है, जब समझो बूझो नहीं तो काहे को पीछे बोलने लगते हो। बड़ा तेज क्रोध आए, बोले बताओ हमें समझा रहा है, लेकिन अब नौका से उतार आए तो अब थोड़ा तो उपकार मानना, नहीं तो अभी बाण मार देते इसे। भगवान ने देखा तो लक्ष्मण जी बोले, देखो ये कैसी, यही होता है मूड पर चढ़ाने का फल, चढ़ा लिया था ना, देखो क्या बोल रहा है, हमें चुप करा रहा है, हमें कह रहा है कि हम दोनों के बीच में मत बोलो। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा तुम दोनों के बीच में क्या नहीं बोलना था? बोले जब नहीं समझते, क्या नहीं समझते? बोले ये समझ नहीं सकते आप, हम केवटों की परपाटी होती है, हम केवट एक दूसरे से ना उतराई का पैसा नहीं लिया करते, ना दिया करते हैं। तो बोले ये रघुवंश शिरोमणि रघुनाथ जी तुझे केवट दिख रहे हैं? बोले और क्या, हम छोटे केवट हैं, बड़े केवट इतना ही तो अंतर है, पूछो इनसे। अरे हम तो केवल गंगा पार कराते हैं और ये तो भवसागर पार कराने वाले केवट हैं, तो इस केवट से हम क्या लें? अब तो प्रभु एक ही प्रार्थना है, केवट कहता है, तुम आए हम घाट उतारे, तुम आए हम घाट उतारे, हम आवे जब घाट तुम्हारे, हम आवे जब घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगाना राम, तब तुम पार लगाना राम।
पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। केवट ने कहा, महाराज तुम आए हम घाट उतारे, आप हमारे यहाँ आए, हमने अपना घाट उतारा कि नहीं उतारा। हम आवे जब घाट तुम्हारे, तब ये सकल याद रखना किसी केवट ने पार कराया था, तब तुम पार लगाना राम, पतित पावन सीता राम। नाथ आप बड़े केवट हो, हम तो छोटे से केवट हैं, हमारी जितनी हैसियत थी हमने पार कराया, अब आपकी हैसियत के जब सरोवर पर, जब समुद्र पर आवेंगे तब आप हमको पार कराना। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो, दीन दयाल अनुग्रह। अब कुछ नहीं चाहिए महाराज, सब तो मिल गया, अब क्या कामना बची। जिनको उतारना था वो नौका से पार उतर गए, आपकी चरण रूपी नौका में बैठ करके हम भी उतरी जाएंगे, अब क्या चाहिए। अब ऐसा है, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। अब जब लौटना प्रसन्न होकर के, तो जो आप कहोगे मैं उसको ले लूंगा। लक्ष्मण जी हंस करके बोले, भैया कितना अच्छा तुर है, देखो सोच रहा है अभी जाएंगे कहीं, इसके इस कुकृत्य से नाराज होकर के वापस कहीं और से ना निकल जाए, तो पहले से पक्का कर रहा है कि डबल दक्षिणा लगेगी, इधर वाली भी दोगे फिर आओगे तो पक्का कर रहा है कि भाई फिर यहीं घाट से जाना पड़ेगा, तो फिर उधर उतारने की भी लेगा। भगवान हंस करके बोले, चलो बढ़िया है, ये केवट के मन का भाव है कि मैं जब वापस लौट करके अयोध्या आऊं तो पुनः इसकी नौका पे चढ़ूं। अगर कुछ ले लेता केवट तो भगवान फिर दूसरी तरफ से भी जा सकते थे, लेकिन अभी लिया नहीं है तो भगवान की भी मजबूरी है। और सबसे बड़ी बात, केवट देखो कितना बुद्धिमान है, आप लोग विचार करिए, 14 वर्षों तक राम जी के मानस पटल में मैं सदा छपा रहूंगा, 14 वर्षों तक भगवान मेरी याद रखेंगे कि केवट को देना है, केवट को देना है, तो कम से कम इसी बहाने याद तो रखेंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े, माँ गंगा का पूजन किया। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेही पूजा तोरी। हे गंगा मैया आप कृपा करो, और जब पुनः मैं लौट करके अपने पति और अपने देवर के साथ आऊंगी तब मैं आपका खूब पूजन करूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूज ही सब मन कामना सुजसुर ही जग छाई। गंगा जी मूर्तमान होकर के प्रकट हो गई और गंगा जी ने आशीर्वाद दिया कि हे सीते आप अपने पति के साथ देवर के साथ सकुशल लौट करके कुशलपुर को आओगी और सारे के सारे विश्व में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। गंग वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सी असुर सरि अनुकूला। गंगा जी के तट पर भगवान सीता रामचंद्र प्रसन्न होकर के आगे बढ़े और आगे भगवान तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। प्रात 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 कृत करी रघुराई, तीर्थ राजु दीख प्रभु जाई। भगवान तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे और यहाँ पर जाकर के भगवान ने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम किया। तो अब समय काफी हो गया तो आज भगवान को यहीं विश्राम करने दे, काहे को आगे भगाना रास्ते में छोड़ना ठीक नहीं है, अच्छा लगेगा रघुनाथ जी कहीं रास्ते में खड़े रहे तो भरद्वाज जी खूब बढ़िया रबड़ी रसगुल्ला खिला ले भगवान को, फिर कल आगे ले चलेंगे। ले श्री सीता राम चंद्र भगवान की। आइए दो बार भगवान का नाम संकीर्तन करें, इसके बाद आरती
और प्रसाद लेकर के आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला। जय जय लखन लाल, जय जय बजरंग लखन लाल, जय जय भरत लाल बजरंग बली, जय जय लखन लाल, जय जय लखन लाल बजरंग बली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, लखन लाल, जय जय भरत लाल बजरंग बली, जय जय लखन लाल बजरंग बली, जय जय भरत लाल बजरंग बली, जय जय राम लला जय जय जनक लली, जय जय लखन लाल बजरंग बली, जय जय लखन लाल, जय जय लखन लाल बजरंग बली, जय जय लखन लाल बजरंग बली, जय जय भरत लाल बजरंग बली, जय जय राम लला, जय जय जनक। बोलिए सीताराम भगवान की जय, श्री राम चरित मानस की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री सीताराम। जय श्री राधे। आप सभी हरि भक्तों का बहुत बहुत साधु स्वागत अभिनंदन। आज श्री राम चरित मानस की कथा के विश्राम दिवस पर हम सबने सुंदर भगवान के नामों का स्मरण किया। आज कथा में बहुत सुंदर प्रसंगों का स्मरण किया और सुंदर महाराज आज महाराज श्री ने कितना हमारे भाव को हमारे हृदय को दृढ़ करने के लिए बता दिया कि भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र श्री राम जी के चरणारविंदों का ही आश्रय होना चाहिए। आज हम कितना भटकते हैं, थोड़ी सी परेशानी आ जाती, इधर गए उधर गए और पूरी दुनिया में भटक लेते। कई सारे लोग तो विदेश में जाकर के पर्चा बनाते हैं। तो ये सब तो छोटी बात है, बड़ी बात ये है कि राम जी से हमारी मुलाकात हो जाए, राम जी से हमारा संबंध बन जाए। और उन्हीं राम जी का मंदिर महाराज श्री के द्वारा श्री धाम वृंदावन में जो बना हुआ है उसका जीर्णोद्धार महाराज जी करना चाहते हैं। और आपको कल मैंने बताया बहुत सुंदर वो उसका निर्माण होगा, उसमें लागत भी बहुत लगनी है। तो महाराज श्री को, महाराज श्री के संकल्प को पूर्ण करने के लिए कुछ भामाशाहों ने अपने धन का सदुपयोग किया है, उनका मैं नाम लेकर के
भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका जीवन मंगलमय हो। सुमन भगवान दास ठाकुर जी, इन्होंने सुंदर राम मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 11,000 की सुंदर योगदान राशि दी है। जोरदार ताली बजा के आप इनका अभिवादन करें। कांजी भाई अहिर, इन्होंने 1111 रुपए का सुंदर योगदान दिया है। गुलाब गुप्ता जी, इन्होंने 1100 रुपए का सुंदर योगदान दिया है। अलका जी ने 500 रुपए का सुंदर योगदान दिया है। और एक सज्जन है जिनकी ओर से 2100 रुपए का सुंदर गुप्त दान आया है। और आनंद राम जी, इन्होंने 100 रुपए का सुंदर योगदान दिया है। आप भी अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। आज हम धन तो बड़ी मेहनत से कमाते हैं, पर उसको परमार्थ के कार्य में नहीं लगा पाते, सुख सुविधाओं को भोगने में ही अपना जो मेहनत से धन को कमाते हैं उसको ऐसे ही बहा देते हैं। तो जो भी आपका सामर्थ्य हो, प्रभु ने जिस लायक आपको बनाया है, क्योंकि ठाकुर जी तो सबका स्मरण रखते हैं। जब राम सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी भी थी, वो अपनी पूंछ से महाराज धूल ला करके उसमें डाल रही थी। किसी ने पूछा इस योगदान का क्या होगा, वहाँ तुम्हारे पूंछ से लाई हुई धूल का क्या उपयोग होगा, वहाँ तो बड़े बड़े बंदर बड़े बड़े पहाड़ों को बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के आ रहे हैं। तो उस गिलहरी ने कहा कि राम जी मेरी सेवा को भी याद रखेंगे। तो जो भी आपका सामर्थ्य है, आप श्रीधाम वृंदावन में जो राम मंदिर है उसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है, आप अपनी सहयोग राशि दे सकते हैं। पीछे काउंटर लगा हुआ है, हमारे सहयोगी गण पीछे बैठे हुए। जय श्री राम। देखिए, धन की सदुपयोगिता के साथ जीवन का भी सदुपयोग होना चाहिए। उसके लिए कुछ कर्म निर्धारित किए गए हैं मनुष्य के लिए। मुखौ पवित्रम यदि राम नामम, मुख पवित्र तभी होता है जब आप राम का नाम स्मरण करते हैं। हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हृदय पवित्र होता है अगर आपके पास ब्रह्म का ज्ञान है। चरणौ पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, चरण पवित्र होते हैं यदि आप तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। और हस्तौ पवित्रम यदि पूर्य दानम, और हाथ पूर्ण होता है जब आप कुछ पूर्ण दान करते हैं, ऐसा मनुष्य के लिए बताया गया है। और आज का जो प्रसाद है वो बेचर भाई एंड किशोर भाई रावरिया की तरफ से, और दूसरे हैं श्रीमती कृष्णा करमशी वैद्य। धन्यवाद। अब सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। आरती के बाद प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम तुरंत आरती के बाद होगा। जिनको भी महाराज श्री से कुछ जानना हो धर्म के विषय में वो जान सकते हैं। सभी खड़े होके मंच के सन्निकट आ जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र की हम सब मंगलमय आरती करेंगे। गाओ गाओरी हरी, गाओ गाओरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओरी। 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 गाओरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओरी। गाओ गाओरी आस पास सखियां सुख देनी, आस पास सखियां
सजनब साज सिंगार सुने नी सजनब बीन सितार लिए पिक बेनी बीन सितार गाई सुराग सुनाओ आरती गाओरी अरे गाई सुराग सुनाओ आरती गाओरी गाओ गाओरी पिया पी समी आरती गाओरी गाओ गाओरी पिया पी समी अनुपम छवि धरी दंपति राजत अनुपम छवि धरी नील पीत पट भूषण भ्राजत नील पीत पट निरखत अज्ञानित रति छवि लाजत निरखत नैनन नैनन को फल पाओ आरती गाओ हरि नैनन को फल पाओ गाओरी गाओ गाओरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओरी गाओ गाओरी नीरज नैन चपल चित वन में नीरज नैन रुचिर अरुणिमा सुचि अधरन में चंद्र बदन की मधुकन निज नैना अरुझाओ आरती गाओरी हरि निज नैना थार सांवरी मनोहर कंचन थार कंचन थार सांवरी मनोहर कंचन थार घृत कपूर शुभ पाति ज्योत कर घृत कपूर शुभ मुरछल चवर लिए रामेश्वर मुरछल चवर आरती गाओ आरती गाओ हरि हरसि सुमन आरती गाओरी गाओ गाओरी गाओ गाओरी गाओ गाओरी पिया प्रीतम की आरती गाओरी हो गाओ गाओरी पिया प्रीतम की आरती गाओरी गाओ गाओरी पिया प्रीतम की आरती गाओरी गाओ गाओरी पिया प्रीतम की आरती गाओरी आरती गाओरी गाओ गाओरी गाओ गाओरी गाओ गाओरी प्रिया प्रीतम गाओरी हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
है।